Okay, guys, so let's start with what are we talking about? C++. इसके बारे में अगर मैं कहूं तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है. अब बिफोर आई कुड गो फर्दर, एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये किस तरह से बना, व्हाट आर वी सपोज टू नो. अब सबसे सिंपल बेसिक फंडा पे जाते हैं. तीन टर्म्स है जो तुम लोग के दिमाग में क्लियरली होने चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब एक एक टर्म्स का अगर बात किया जाए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से पहला टर्म प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है? ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर. कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ह्यूमन. ये एक प्रोग्राम है. I mean, not very difficult to understand. Set of instructions for computer given by human. क्या? एक सिंपल बात करो, अगर तुम्हारा अस करो, तुम्हारा आज बर्थडे है, फॉर एग्जाम्पल, इफ सम फ्रेंड कॉल्स, पहले तो अपना प्यारिश मोहब्बत वाला बात होता है, हैप्पी बर्थडे यार, क्या है, क्यों है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तुमको, बाकी आज का प्रोग्राम क्या है. अब लेट्स अंडरस्टैंड उसने पूछा क्या. एक फ्लो, तुम लोग शायद बोलोगे अरे मॉर्निंग में मम डैड के साथ जाएगा, मंदिर जाके आऊंगा, शाम को तुम लोग सबको बीच मिल रहा हो, दोपहर का है अपना कुछ काम, लेट्स अंडरस्टैंड उसका होगा, छोड़ दो. बट द कॉन्सेप्ट रिमेन इज प्रीटी सिंपल. तुमने एक सीक्वेंस बोला और उसी कॉन्सेप्ट को मैं प्रोग्राम बोलता हूँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कोई भी एक काम करने के लिए हम लोग जनरली तीन बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, द इनपुट विच वी टेक, द प्रोसेस विच वी टेक एंड द आउटपुट विच वी गेट. यानी कि इनपुट, उस पे होने वाला प्रोसेस और उससे मिलने वाला आउटपुट, ये सीक्वेंस को ही प्रोग्राम बोलते हैं. इसे कुछ लैंग्वेज में स्क्रिप्ट्स भी कहा जाता है. तो टर्म अलोंग विथ दिस वी कैन आल्सो यूज अ टर्म कॉल्ड स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट भी वही होता है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन. तो यहां से तुम्हारा पहला वर्ड आया प्रोग्राम. अब प्रोग्राम जब चालू हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, तो सर प्रोग्रामिंग क्या है? वही है ना, प्रोग्राम लिखने को प्रोग्रामिंग बोलते हैं. ठीक है, वी कैन से दैट, बट आई वुड लाइक टू मेक अ डिफरेंट नोट फॉर दिस. प्रोग्रामिंग क्या? ओके, ये आर्ट है. ये सर ज्यादा हो गया, प्रोग्रामिंग आर्ट थोड़ी होता है, बिलीव मी. आर्ट ऑफ मेकिंग कंप्यूटर डू व्हाट यू वांटेड टू डू. Art of making computer what you wanted to do. अब ये concept भी समझ लेते हैं. तुम्हारा काम किसका है? तुम्हारा. करना किसको है? तुमको. करेगा कौन? Computer. यानी कि logic is very very simple. Art because तुम्हें तुम्हारा काम computer से करना है. याद करो, तुम्हारे घर पे भी एक artist है. देखो आजू बाजू, अगर अभी भी अपने अपने घर पे होंगे तो आजू बाजू जरा देख लो, उस artist को मैं बोलता हूँ माँ. मेरे पास भी एक माँ है. बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल. उसको कुछ भी काम कराना है, बहुत स्मार्ट है, नीचे खुद जाना नहीं होगा, बट मेरी माँ का एक तरीका है ना, वो ऑफिशियली फिर नो. अब कैसे मुझे या डैड, दो ही बकरे मिलते हैं घर में, दो ही जन है फिर. सो कॉन्सेप्ट सिंपल है, ये चप्पल पहनेगी, अपना पर्स लेगी, मेरा नो हॉल का जो दरवाजा है दूसरे तरफ है, नहीं ये पूरे घर में ऐसे घूमेगी. क्यों? उसका एक फंड है, मैं या डैड में से कोई देखेगा, फिर हम लोग अटकेंगे. ट्रैप क्या है? पूछने का, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो. फिर उसका एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, घर में दो दो जन है, फिर भी मुझे ही नीचे जाना पड़ रहा है, हम दो में से कोई बकरा बन जाता है. इमीडिएटली बोल रहा है, क्या हुआ, क्या लाना है. माइंड यू, शुरू से दूध खत्म हो गया या कुछ, एक ही चीज बोलेगी. अब ट्रैप अप चालू होता है. जैसे ही मैं स्लीपर वीपर पहन के कि चलो जा रहा हूं, फर्स्ट वन द मोमेंट आई एम जस्ट एक पाँव दरवाजे के बाहर डाला कि उसका एक्चुअल लिस्ट चालू होता है. सुनना, नीचे जा ही रहा ना, तो दूध के साथ बटर भी लेके आना, बाजू वाले से सब्जी भी ले आना, उसके आगे कपड़े धोने दिए वो भी लेके आना, और उसके आगे वो आटा दलाने दिया था वो भी लेके आना. मैं खाली हंस के देखता हूँ, माँ एक काम बोला था तुमने, बोलते नीचे जा ही रहा है ना, लेके आ आर्ट. आप में से कुछ लोग हो यार, तुम्हारे पास आर्ट है, तुम लोग दोस्त को एक एक चूरन देके अपना काम निकलवा लेते हो यार. क्या रे, बस क्या दोस्त, कांग्रेट्स. प्रोग्रामिंग, अगर तुम लोग किसी से अपना काम निकलवा रहे हो तो आई वुड से आगे जाके अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो. Art of making computer do what you wanted to do. और यहां से तीसरा टर्म आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.
अब जब आप बात करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, व्हाट आर वी रेफरिंग टू, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है लैंग्वेज यूज्ड बाय यूजर अंडरस्टूड. कंप्यूटर सर, इसमें क्या तकलीफ है? आप में से जिन लोगों को नहीं मालूम उनको याद दिला दूं, कंप्यूटर बाइनरी यानी मशीन लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं समझ सकता. सर मशीन लैंग्वेज क्या होता है? अ लैंग्वेज मेड ऑफ जीरो एंड वन. एक मिनट सर, हम लोग थोड़ी जीरो और वन लिखेंगे. वेरी गुड, दैट्स द आइडिया. तो यहां पर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है मेरे दोस्त, ये तुम लिखोगे कोड, इसे सोर्स कोड कहा जाता है. ये डॉट सी में हो सकता है, डॉट सीपीपी यानी सी प्लस प्लस में हो सकता है, डॉट जावा में हो सकता है, बहुत सारे. अब इसे दिया जाएगा टू अ ट्रांसलेटर, जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर, प्रेटर कहा जाता है. एंड उससे आपको मिलता है आउटपुट, और आउटपुट से ज्यादा आई वुड से मशीन लैंग्वेज में कोड. ओ मतलब सर ये ट्रांसलेट करते हैं? हाँ टेक्निकली हाँ. ये इंग्लिश जैसे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है. सर कौन सा? इंग्लिश लाइक, देयर इज अ वर्ड, इंग्लिश लाइक. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश जैसा है. गेट दैट थिंग इन योर हेड. सर मतलब हमें से जितनों में थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग किया है, वी नो देयर आर स्टेटमेंट लाइक इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू. यू रिलेट द बिगर पिक्चर. तुमने जब भी ये किया, यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकला कि भाई हाँ ये तो इंग्लिश जैसा है. इंग्लिश नहीं है बट इंग्लिश जैसा है. इफ कंडीशन होता है, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, बट ये कंपाइलर इंटरप्रेटर उसे ट्रांसलेट करता है बाइनरी में, जो 1010 जैसे लैंग्वेज में हो. एंड दिस इज द फाउंडेशन बेसिक. कि कोई भी सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल लैंग्वेज? अगेन यहां पर टर्म आता है इंग्लिश लाइक. इसके अलावा बड़े बड़े फीचर्स भी है. आइडियली पहले लेक्चर में आई शुड बी टॉकिंग अबाउट बिग थिंग्स ऑफ सी प्लस प्लस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, बट ये मैं नहीं करूंगा. पहले प्रोग्रामिंग समझो. Then I'll push you to the concept of C++ में क्या ऐसा नया है, and then we'll actually start. So my foundation works with first basic. जिनको programming का कुछ भी मालूम नहीं है, ज़्यादा ध्यान दो, because I am rebuilding all the concept which you should know. जिन्हें मालूम है, they feel sir, no, कि आप में से कुछ लोग होंगे, खास करके जो comms IT वाले हैं ना, वो हवे में रहते हैं, अपने को सब आता है. Believe me, जब मैं पूछना शुरू करता हूँ basic question, तो comms IT का खाली spelling आता है. So be very very careful, don't be overconfident. Basic है, no. लेक्चर्स में ये ध्यान दो कि तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, और क्या मालूम है तो क्या रिवाइज कर सकते हो. इफ यू हैव एटीट्यूड नो, अपना है ना, अपुनिज भगवान है, तो बेस्ट ऑफ लक. आगे डिफिकल्ट होगा, बिकॉज सी द बेसिक प्रॉब्लम विच वी आर गेटिंग इज नॉट कि नो कैंपस नहीं आ रहा. वी आर फेलिंग एज अ सीडैक टू प्रोवाइड देम विथ व्हाट दे नीड. अभी का एग्जैक्ट फिगर्स है, अभी मेरे पास सामने फाइल पड़ा हुआ है, बिकॉज परसों ही मीटिंग हुआ था. तुम लोग के प्रायर बैच में करंट हालत हम लोग का ये है कि हम लोग ने टोटल 118 कंपनीज लाए, और उसमें से सिलेक्शन सिर्फ 52 का हुआ अभी तक. इसमें करीबन 44 कंपनीज ऐसे थे जिन्होंने एक भी फाइनल राउंड तक सिलेक्ट नहीं किया है, और वो खाली गए. तो करंट सिनेरियो मार्केट का जरा समझ लो, एंड व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस, एंड व्हाई फाउंडेशंस आर डन. फॉर वन रीजन, कॉन्सेप्ट ये है कि अब हाँ जॉब थोड़े कम हुए, दैट आई एक्सेप्ट कंप्लीटली. बट विद दैट, बिकॉज जॉब कम हुआ है, एक नया मुसीबत हुआ है, कंपनीज का रिक्वायरमेंट बढ़ गया. सो पहले जहां पे बेसिक क्वेश्चन में भी कंपनी सिलेक्ट कर लेता था, पैकेज दे देता था, अब कंपनी बोलता है नहीं भाई मेरे पास 10 पोजीशन नहीं, अमर एक ही पोजीशन है, बट मेरे को ऐसा चाहिए जो एक के लिए वर्थ है. तो इन्होंने डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ा दिया है, थोड़े से ज्यादा बढ़ा दिया है. सो यू शुड बी रियली बकल्ड अप. सेकेंड प्रॉब्लम स्टूडेंट हैव, तुम लोग सोचे समझे बिना प्रिपेयर करते हो. मैं हंस के बोलता हूँ, टुवर्ड्स द एंडिंग जब मैं वहां पर्सनली आऊंगा, आई विल आल्सो शो यू द पाथवे हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, जिससे कि ज्यादा चीजें क्रैक हो पाए.
तुम लोग को लगता है बस बेसिक आया तो है? नहीं, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, तुमने क्या काम किया, तुमने रिज्यूमे में क्या डाला, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। इसके अलावा बेसिक एचआर क्वेश्चंस जो बहुत बार पूछे जाते हैं एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ये छोटी छोटी चीज है। थ्रू आउट माई फाउंडेशन लेक्चर हियर ऑनलाइन फिजिकली ओवर द ऑफलाइन ये मैं करवाते रहूंगा, बट योर जॉब इज टू रियली मेक अ नोट ऑफ दिस एज योर सीनियर। इफ दे वर विद मी दे वुड अंडरस्टैंड। वो भी एक ही बोलेगा, जो सर बोलते हो लिख इज्जत से, क्यों मैं सबको बोलता हूँ नोट्स खुद के बना। नो सीडैक्स व्हेन यू स्टार्ट, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो बहुत लोग नहीं करते, प्रिंटेड मिलेगा ना सर, पीडीएफ मिलेगा ना, फाइल मिलेगा ना, ये ट्यूटोरियल है ना वो, बिलीव मी फॉर द इंटरव्यू। अगर तुम लोग को लग रहा है तुम लोग ऑनलाइन जाके चीजें पढ़ने वाले और उससे, बेस्ट ऑफ लक, ऑनलाइन कैन बी रेफरेंस, वहां से प्रिपरेशन नहीं हो सकता। तुम्हारा नोट्स है जिससे तुम्हारा प्रिपरेशन होगा। मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को, डे वन से तुम्हारा नोटबुक बनना चालू हो जाना चाहिए हर एक टेक्नोलॉजी के लिए। आई लव फ्यू स्टूडेंट्स लाइक नो, लास्ट बैच में देयर वाज वन ऑफ द स्टूडेंट आरती, आई रिमेम्बर, उसके पास हर सब्जेक्ट का उसने इतना बंच बनाया। बोले इतना क्या लेके घूमती है नोटबुक? बोला नहीं सर, हर एक का मैंने एक नोटबुक बनाया, आप जो बोलते हो वो, फिर नोट्स से अपने नोट्स बनाते हैं, एंड शी हैड मेड अ वंडरफुल नोट्स, बट दैट इज हाउ यू सपोज टू वर्क। हर टेक्नोलॉजी का एक खुद का नोटबुक बना, खुद के नोट्स लिखो, बिकॉज एंड ऑफ द थिंग आई प्रॉमिस यू वन थिंग, जब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जब इंटरव्यू के लिए लाइनअप होंगे, तभी इफ यू फील तुम पीडीएफ ऑनलाइन वीडियो देख के कुछ सीखने वाले, यू विल वेस्ट टाइम। बेस्ट ऑप्शन, तभी तुम्हारे नोट्स काम आएंगे। जो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, ये काम का है, बिलीव मी। एक लेट्स एक्स वाई जेड कंपनी था, आई वोंट नेम द कंपनी क्योंकि कंपनी का भी इज्जत जाएगा, वो जब आ रहा था तभी नासिक में हम लोग ने किया था, सोनाम ने सर न्यू, हम लोग ने अरेंज किए थे ओल्ड पेपर्स, नो पहले कोविड से पहले के 3-4 पेपर उस कंपनी के हम लोग के पास थे। सोनाम ने सर ने सिंपली वो सारा फॉर्मेट किया और टेस्ट लिया, ठीक है, कुछ बच्चे पास हुए, कुछ फेल हुए, कुछ हाइट वॉज नियर अबाउट एग्जैक्ट पेपर उस कंपनी ने इस टेस्ट में भी डाला, उन्होंने भी मेहनत नहीं किया, जूनियर पेपर्स में से पेपर्स बनाए, तो देयर वाज नो क्वेश्चन। मजे का बात है, स्टूडेंट हैड स्पोकन दिस टू सोनावने, सर सर एग्जैक्ट हम लोग ने जो किया था उसमें से ही पेपर आया हाइट। इतना होने के बावजूद एक भी बंदा सिलेक्ट नहीं, एंड दैट इज नॉट जस्ट योर डिफिट, दैट्स अवर डिफिट। यू इमेजिन अगर तुम्हारे पास पेपर था, तुमको अक्कल था, फिर भी पास क्यों नहीं हुआ? नेग्लिजेंस। नो सीडैक्स इज नॉट अबाउट जस्ट अरे कोर्स किया ना एंड में नौकरी मिलेगा, लायक हो तो मिलेगा। नो थ्री इडियट्स का डायलॉग काफी वैलिड होता है, दैट इफ यू आर ऑन डॉट थिंग्स वुड कम बैक, बट आर यू रेडी? सो भाई ये ऑनलाइन लेक्चर्स को भी थोड़ा सीरियसली लो। अभी भी तुम लोग 80 हो, बट आई कैन सी अराउंड 60 कितना 65 ही ज्वाइन कर पाए, उसमें से एक मैं होऊंगा ना रे। तो 64 लोगों ने करीबन ज्वाइन किया है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू ज्वाइन दिस बिकॉज ऑनलाइन अभी तक आइडिया आ गया होगा, आई एम नॉट यूजिंग पीपीटी, आई एम नॉट गोना डू दैट, दिस आर नॉर्मल स्क्रीन। हम लोग जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ स्टूडियो विच आई ऑपरेट, बिकॉज मेरे लेक्चर अराउंड द ग्लोब चलते हैं। आई टीच पीपल फ्रॉम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड अदर, मेरे बैचेस इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहे, बट आई वॉन्ट स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, चीजें सीरियसली लो। अगर करियर बनाना है, नो अपना ना करियर बनाना है, आ जाओ, बट आ जाओ उसे पहले प्रिपेयर करके आओ। अब यहाँ पे प्रिपेयर करवा रहे हैं, ट्राई टू प्रिपेयर सच दैट कि तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारा दिमाग में, मैं कॉन्सेप्ट बोलते रहूंगा इंटरव्यू में क्या होता है वो भी बोलते रहूंगा, तुम्हारा काम है उसे नोट करना। बाद नो मैं हंस के बोलता हूँ ये, बाद में मौत आता है, कुछ और नहीं आता, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। सो जो भी जो हो रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने हर टॉपिक के बाद आई विल बी आस्किंग पीपल क्लियर और नॉट, इफ यू आर अनक्लियर फील फ्री टू, इन्हें अनम्यूट करने का राइट्स है, मैं करता रहूँ, आई एम गिविंग यू अनम्यूट्स राइट्स, जस्ट अ मिनट। So any doubt, any query, feel free to ask, but make it a point, be responsible. बीच में किसी की मम्मी पापा भाई बहन का आवाज ना आए तो बेटर होगा थोड़ा, जस्ट a minute, giving you option. Unmute के controls से enable. So people can unmute later on if you have queries. So first call, everybody clear till this point? Any doubt, any query, feel free to ask. People clear? Waiting. Yes sir. Wonderful, thank you my dear. Chal, so let's move ahead. Ye to bahut basic, hum log ne just baat karna shuru kiya,
अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था, दिस इज इंफोसिस, एम्फेसिस एंड ईक्लर्क, ये तीनों में एक क्वेश्चन पूछा गया था विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. हाउ मेनी जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज एग्जिस्ट, कितने जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एनीबडी, सो दैट मैं हाई लेवल तक तो पहुंचू. कितने जनरेशन है, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट, एनी वन? चलो चलो चलो, आज ही आंसर चाहिए. फाइव. ओके, वंडरफुल टू हियर दैट. एंड विच आर वेरी वेल आंसर, फाइव जनरेशंस. अब ये जरा समझ के रखो बिकॉज ये काम का. जब आप 1G फर्स्ट जनरेशन का बात करते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी. इट्स अ मशीन लैंग्वेज मेड ऑफ जीरोस एंड वन्स. ओके, दैट्स फर्स्ट. अच्छा था बट एक छोटा सा प्रॉब्लम था, नो बडी वॉज रियली हैप्पी. आई मीन वन एंड जीरो में बात करना पड़े तो आई मीन इट इज डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वन एंड जीरोस बिकॉज वी आर नॉट इन ट्यून विद दिस. तो सर क्या करोगे, सीधा है, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस. तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि जीरो और वन नहीं. हमें इमेजिन समबडी, इमेजिन शाहरुख खान का वो जो रोमांटिक ऐसे रोज लेके खड़ा है और वो मुंह खोल रहा था अभी 1000011110, नहीं मजा आया ना, झगड़ा करो 10. तो दे वी शिफ्टेड टू द सेकंड लैंग्वेज, वी कॉल इट असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज हर ऑपरेशन के लिए एक कोड था, इसे शॉर्ट में अप कोड कहा जाता था और ये हार्डवेयर स्पेसिफिक था. मतलब तुमको अगर ए में 10 स्टोर करना है, यानी कि मू ए 10, तो ए नहीं लिखने का, उसका एक कोड होगा, फॉर एग्जाम्पल 46. फिर तुमको बी में 20 स्टोर करना है, तो 46 एंड 10 ऑब्वियसली डेटा लिखना पड़ेगा, तो मे बी इट इज 56,20. फिर तुमको अगर एड ए कॉमा बी करना है तो तुमको अलग से अब कोड लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 7F. अरे यार, मतलब सर मगज मारिए कि हाँ, हार्डवेयर था, जीरो और वन से बेटर था, बट एक बड़ा प्रॉब्लम अभी भी है. इन दोनों लैंग्वेज का एक ड्रॉबैक है, बोथ ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेजेस हैड वन ऑफ द बिगेस्ट इशू, दे बोथ वेर हार्डवेयर डिपेंडेंट. मतलब सर ये दोनों लैंग्वेज ग्रेटली हार्डवेयर डिपेंडेंट थी. मतलब सर हार्डवेयर पे ना, हार्डवेयर चेंज लैंग्वेज चेंज बैंड बजे. मतलब अब इमेजिन करो अगर हर हर महीने, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ 90s to 2000, हर 3-4 महीने में, या टू बी वेरी प्रिसाइज 83 से 90 तक का बाद, हर 3 से 4 महीने में एक नया चिप आ रहा था. प्रॉब्लम ये था कि अगर 3-4 महीने में नया नया चिप आ रहा है तो हालत सोचो क्या होगा. मतलब एक नया चिप आया, तुम बोलो अरे मैं कोडिंग सीखेगा, वेरी गुड. जितना टाइम तुमको कोडिंग में लगा उससे पहले तो नया चिप आ गया, बोले वो जूना हो गया, नया ले. वो अपने आईफोन है ना, हर एक साल में एक नया काम करता है कुछ, और पब्लिक मान है, एड़े की तरह खरीदते भी है. बट ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक साल एक नया आएगा, पब्लिक अपग्रेड करेगा, और नए में ज्यादा कुछ नहीं करता, वो एक फीचर नया देता है. एंड आईफोन हैज अ प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, उनके डिजाइन और प्रोडक्ट्स रेडी है, बट आईफोन छाना है, आईफोन मिलता है एक एक देना. वन प्लस तो उसके भी आ गया, वो हर 6 महीने में जागता है, अगला नया कुछ लाया, नया कुछ नहीं है. उन लोग के 5-5 साल के प्लान्स रेडी है, दे जस्ट डिप्लॉयड एट अ रेगुलर इंटरवल, वरना खरीदोगे क्या. कॉन्सेप्ट सिंपल, पीपल वर नॉट हैप्पी, अरे यार ऐसे नया आने लगा तो बैंड बजेगी. अमर कुछ कुछ वॉज समथिंग विच वी लव इवन टिल डेट, समथिंग विच वी कॉल एज हाई लेवल. अब आया हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे बेसिक एडवांटेज में आता है इंग्लिश लाइक, जिससे कि पब्लिक को अच्छा लगा, कोड कर पाए, एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट. हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, सो दैट मेड इट बिग. हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक,
हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज हाउ वी आर वर्किंग विथ. सुपर. तुम्हारा जो भी बड़े नाम तुमने सुना है, थोड़ा नीचे जाकर. सो सॉरी, प्लस प्लस, जावा, पाइथन, .NET, ये सारे हाई लेवल में आते हैं. इसका ताकत बना कंपाइलर, इंटरप्रेटर, यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो रेगुलर इंटरवल पे चीजें चेंज कर पाता था, ट्रांसलेट कर पाता था हाई लेवल इंग्लिश से लो लेवल मशीन तक, और वही उसका सबसे बड़ा ताकत था. फाइन, पीपल लव्ड इट, इवन टिल डेट आप यही सीख रहे हो. इवन अभी जो C++ में सिखाना शुरू करूंगा, दैट्स एग्जैक्टली दैट. तो लो, अच्छी बात है. अब थोड़ा आगे जाते हैं, फिर आया फोर्थ जनरेशन. एनीबडी कैन हेल्प मी, फोर्थ जनरेशन में क्या आता है? पीपल, 4G इज एनीवन. 4G is still waiting. Come on. 4G kya hai dost? Anyone, come on. SQL. SQL to be more precise, structured query language. ये आजकल एक अजीब सा ट्रेंड हो गया है कि हर एक चीज को हम लोग शॉर्ट में बोलना पसंद करते हैं. SQL, Structured Query Language, is, no, आजकल ट्रेंड है. SQL, जो हम लोग बोल रहे थे, वही पे बात करते हैं. अभी एक ताइवान का बैच विच आई एम करंटली कंडक्टिंग, आई रिमेम्बर दैट जोक ऑफ लेक्चर. एक तो पहली बात, इनका इंग्लिश थोड़ा अलग है कंपेयर टू इन लोग के टर्म्स, इन लोग अलग है. फॉर एग्जाम्पल, वी से मल्टी प्रोसेसर, जैसे मल्टी प्रोसेसर, ठीक है, वो छोड़ दो. आई रिमेम्बर GUI नाम का एक टॉपिक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. देयर इज वन ऑफ द नो स्टूडेंट, ही इज आस्किंग मी, जैसे तुम लोग अभी नो अनम्यूट करके बोलते हो, देन ही इज आस्किंग मी, व्हेन विल बी कवरिंग GUI. मेरे को समझा नहीं, मैं बोला सॉरी, व्हेन विल बी कवरिंग GUI. मैं बोला इसको क्या बोलना है, फिर आई कैन नॉट टेल हिम ये तू क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा. तो आस्क हिम, बोला भाई टाइप करके भेजो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली. तो बेचारे ने टाइप भेजा, हाउ, व्हेन आर वी डूइंग GUI. तो आई वुड प्रिफर, अभी नया नया सीख रहे हो ना, तो इसको इज्जत से SQL बोलो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. जिन्हें मालूम है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम है, डेटाबेस लैंग्वेज. डेटाबेस लैंग्वेज में ये कर्ड ऑपरेशन बोलता है. सर दही जमा रहे हो? ना. कर्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट. That's a code operation, जिसका आप बात कर रहे हो, इस पे ज्यादातर काम होता है, इस पे ज्यादातर तुम्हारे operations होते हैं. Be careful. Apart from that, fifth generation is where the magic happens. AI languages. In case कोई पूछा कौन सा AI language तुमको सुना है, तुम लोग ने याद रखना, this is the biggest AI language till now used. Even आज भी हम लोग इसे use कर रहे हैं. Prolog, programming logic, short form है ये इसका. Okay. 3G is the third generation, my dear. 3G talks about one simple thing, Omkar. That high-level language का मतलब होता है English में तुम लिख सकते हो. By saying English, मेरे दोस्त जो आपका C, C++, Java, Python वो सब है, they are high-level language. तो English जैसे language में आप लिख सकते हो. Hardware independent है. आप जो भी लिखोगे वो खुद ब खुद ट्रांसलेट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, और ये करने के लिए उन लोग कंपाइलर जैसे ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं. That's a high-level language. Clear, दोस्त? So these are five generations. So if somebody asks you, मैं साइड में इसलिए होता हूँ, so that if you want, you can click a screenshot. This is high level. तो सर, you meant to say इसके नीचे का सब हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है? हाँ, ये मत भूलना, this all languages are hardware independent. हार्डवेयर से इनका कोई लेना देना नहीं. ऊपर वाले दोनों हार्डवेयर डिपेंडेंट थे. Hardware dependent. Be very, very careful when you work with. Be very, very careful when you operate with. Okay? So be clear. Everybody clear? Let's take a call. Everybody clear? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sure. Let's go ahead with this. तो अब आगे जाते हैं भाई, ये सारे जनरेशन मैंने क्यों करवाए? For one reason, we had to talk about high level language. But भाई वो आया कहाँ से? See, I'm somebody who have been training from last 17 years. I have my own research center, currently working as a research scientist for Intel Group, and I have my own companies where I train
डेवलप सॉफ्टवेयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज है, ठीक है, मेरे बायो में नहीं जाते, ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आई वुड से वन सिंपल थिंग, आई अंडरस्टूड वन थिंग अबाउट एवरीबडी जहां गड़बड़ होता है. फ्रॉम द स्टूडेंट हु आर गुड इन प्रोग्रामिंग, दे आर गुड विद द कॉन्सेप्ट. जो बोलते हैं यार प्रोग्रामिंग मजा नहीं आ रहा, फॉर वन रीजन, तुम लोग के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते. और जितना इंजीनियरिंग में सिखाते हैं, बिलीव मी, तुम लोग को हर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री की तरह सिखाया जाता है, ये ऐसा है ऐसा रहेगा. लाइक आई रिमेम्बर, मैं करंटली एज अ टीओटी भी ट्रेनिंग लेता हूँ, टीओटी इज अ ट्रेनर ऑफ ट्रेनर, मजा आता है. मैं पूछता हूँ ये कैसे सिखाओगे, सर वो क्या ऐसे ही रहता है, दैट्स नॉट माई स्टाइल. मैं हर एक चीज के कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर करके दूंगा, जिससे कि ये समझे कि करना क्या है, रीजन. वरना तुम लोग क्या करते हो मालूम, तुम लोग रट्टा मारते हो, फिर अपना थ्री इडियट के चतुर की तरह बाहर जाके चमत्कार करते हो. ओके, सो आई डोंट वॉन्ट दैट थिंग टू हैपन. आई वॉन्ट हर एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे ओमकार ने किया, सर नहीं समझा, सर वापस जरा बोलो. आई डोंट माइंड रिपीटिंग स्टफ, पर जब यस बोलो, दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं हाँ बोल रहा हूँ, मतलब क्लियर है. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट दैट फ्रॉम एवरीबडी. सो करंटली गोइंग विद बैक. ओके सर, अब मैं आता हूँ भैया सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे. कोई भी लैंग्वेज को मैं इंग्लिश के बेसिस पे सिखाता हूँ, तो चलो अगर मैं सी प्लस प्लस यहाँ ले लू और यहाँ इंग्लिश ले लू, मुझे इजी पड़ेगा. सर क्यों, क्या सिखा रहे हो, यू अंडरस्टैंड. एक किंडरगार्टन में इंग्लिश सिखा था ना, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, आपको किसी ने भी इंग्लिश सिखाने के लिए सबसे पहले क्या सिखाया था, एनीबडी, केजी, जूनियर केजी, प्ले स्कूल, क्या किया था रे? परफेक्ट, याद है, स्कॉलर लोग हो रहे तुम लोग. याद है क्या सीखा था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, जोक्स अपार्ट, बट अल्फाबेट्स. सो कोई भी लैंग्वेज बनता है अपने कैरेक्टर्स से. हाँ सर, तो सी में इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कैरेक्टर सेट. ओह सर, कैरेक्टर सेट वो क्या होता है ना, कैरेक्टर सेट जैसे ए बी सी डी, तुम लोग को ए बी सी डी क्यों सिखाया गया था, लेट्स मेक इट सिंपल. क्या लिखा है एनीबडी? अमर. अमर, थैंक यू. लेट्स अंडरस्टैंड ये पढ़ने का कॉन्सेप्ट कैसा है. सर बस क्या है, ए एम ए आर एक साथ बोलोगे अमर, ठीक है, तुम लोग को यही तो सिखाया गया था. Why do you think that A for apple, B for ball was? तुम लोग के वोकल कॉर्ड्स समझाने के लिए. उसी तरह कोई भी प्रोग्रामिंग अपने कैरेक्टर सेट पे बनता है. ना जब कैरेक्टर सेट का बात किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है ए टू जेड, उसमें होता है ए टू जेड. ओ सर हेलो, दो बार लिखा, नहीं याद रखना, सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये हर बार तुमको ऐसे लिखा जाता है. सर वो क्या है, कैपिटल ए एंड लोअर केस ए अलग अलग है, वही ऐसे लिखा जाता है, तो याद रखना. इसके अलावा 0 to 9 नंबर्स, 9 नंबर्स एंड सिंबल्स, बहुत सारे जो भी तुमको याद आ रहे, मतलब सर इन शॉर्ट 3 कैटेगरी में बोल सकता हूं, अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स. इससे बनता है कैरेक्टर सेट, पहला स्टेज. सी C++ follows ASCII character set. अब सर नया कुछ आ रहा है. Let's make it simple. We follow ASCII character coding. इसे ASCII set भी बोला जाता है. सर अब ये क्या? सी अपना एक फंडा क्लियर है. कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं समझता, बाइनरी समझता है. यार इंसान को इंग्लिश समझता है, बाइनरी नहीं समझता. तो तुम्हारे कीबोर्ड पे जब तुम कोई भी अल्फाबेट दबाओ ना, ए मैंने प्रेस किया, कंप्यूटर को कुछ नहीं समझने वाला. कंप्यूटर एक सिग्नल जनरेट करेगा. अब ये जो सिग्नल बनाएगा वो सिग्नल का कोडिंग फॉर्मेट है ASCII. तो सर ASCII कोडिंग फॉर्मेट है मतलब क्या होगा? ASCII कोडिंग फॉर्मेट है उसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग 65 नाम का एक सिग्नल जनरेट होता है. सर 65 क्यूब. ओके, अगेन डेसिमल नंबर सिस्टम एंड ASCII नंबर सिस्टम नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसपे ये पूरा स्टोरी चल रहा है. तो जब मैं ए प्रेस करूं, आई एम टेकिंग यू टू माई कैलकुलेटर, कुछ चीजें दिखानी है. लेट्स, पीपल शुड बी एबल टू सी माई कैलसी बाय नाउ. दिख रहा है कैलसी? यस नो पीपल? यस सर. वंडरफुल गाइस, थैंक्स यार. सो नाउ हाउ वी वर्क विद सिंपल,
जब मैं डेसिमल पे जा रहा हूँ मैं 65 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बाइनरी में एक कोड जनरेट हो रहा है 01000010. तो अगर मैं बात करूं जब भी कोई ए दबा रहा है तो एक सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल जैसे यहाँ पे दिख रहा है मैं वही कॉपी कर रहा हूँ 100001, ये सिग्नल जनरेट हो रहा है. ये सिग्नल जाके एक्चुअल कंप्यूटर को मिलता है. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस सिग्नल बट नॉट ए. तो ए क्यों बना है सर? तुम मैं हम लोग बेचारा यूजर क्या करेगा, उसको 01 तो समझ में नहीं आता. तो जब मैंने ए दबाया तो एक सिग्नल जनरेट हो रहा है विच इज 01110001 विच इज नंबर 65 इन अवर वे. सर एक मिनट, ये 65 क्या है, 101 क्या है? ओके, उसके लिए तुम लोग को कॉन्सेप्ट आना चाहिए नंबर सिस्टम्स. मुझे बोलो कितने तरह के नंबर सिस्टम्स हैं? एनीबडी? कितने नंबर सिस्टम्स हैं? फोर. ठीक है, एक्सेप्टेड. विच आर? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल. परफेक्ट. सबसे छोटे से ऑक्टल. परफेक्ट. बाइनरी 0 और 1 वाला, ऑक्टल 0 से 7 वाला, फिर अपना प्यारा डेसिमल 0 से 9 वाला, हेक्साडेसिमल 0 से 9 वाला, ए बी से एफ वाला. सर वो क्या है? ए बी सी डी ई एफ 11 10 11 12 13 14 एंड 15. तो सर अब समझाओ भाई, मैं जो ए दबा रहा हूं डेसिमल में 65 जनरेट करेगा यानी बेस 10, उसका बाइनरी मतलब होगा यानी बेस 2 001. दिस कोडिंग फॉर्मेट, ये जो कोडिंग फॉर्मेट है उसे ASCII कहते हैं. तो ये जो सिग्नल बना उसे ASCII सिग्नल के नाम से जाना जाता है. सर ASCII नाम है ना, शॉर्ट फॉर्म है. सुन के ये तुम्हारे MCQs में आता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ASCII RP लिख के रखो चाहिए तो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इंटरचेंज हो रहा है ना तुम्हारा इंग्लिश से बाइनरी, और प्लस उल्टा भी होगा. अगर कंप्यूटर कुछ आंसर दे रहा है वो बाइनरी में ही होगा, वो तुम्हारा कंप्यूटर का सिग्नल उसे कन्वर्ट करके देगा. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एवरीबॉडी क्लियर कैरेक्टर सेट का इंपॉर्टेंस क्या है? और माइंड यू इसीलिए ए टू जेड कैपिटल और ए टू जेड लोअर केस अलग रखे हैं. और एक चीज लिख के रखो, ये काम आएगा तुम्हें आगे. नो ए ए इसके वैल्यूज याद रखना और वो सीरीज में चलता है. अगर बी पूछो तो बस एक ऐड करो, अगर इसमें बी पूछो, डी हो गया सॉरी, इसमें बी पूछो तो दैट वुड बी 98. ये लिख के रखना, दिस आर ASCII वैल्यूज, दिस आर ASCII वैल्यूज, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एवरीबॉडी क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस सर. यस सर. Wonderful. Others also, ये बिचारे दो तीन लोग हैं, मेहनती है, बोल रहे हैं. Thanks for that. Others, is this yes, clear? Sir. Thank you. Yes, sir. Wonderful. Thank you, यार. Yes, sir. चलो, good. So now we understood the concept कि यार ये ऐसे चल रहा है. The bigger picture which we are talking about, the bigger concept which we work. So next time, तुम्हारे प्यारे से keyboard पे तुम जो भी press करो, वो प्रेस करने का मतलब है तुम एक सिग्नल जनरेट कर रहे हो. तो सर 0 से 9 का भी कोड होगा, हाँ. ए टू जेड का, हाँ. लोअर ए टू जेड का, हाँ. सर वो एट सेमी कोल हर एक का कोड होगा, क्योंकि कंप्यूटर को ये सब समझ में नहीं आता, ये हाई लेवल को समझ में आता है. सो फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू रियलाइज इज द कैरेक्टर सेट जिसका आप बात कर रहे हो. ओके, यहां तक समझने के बाद अब थोड़ा आगे जाता हूं. अच्छा मुझे बोलो, तुम लोग को ए टू जेड समझाने के बाद क्या सिखाया रे? जूनियर केजी में क्या सीखा है? मानते हो? स्मॉल वर्ड्स. परफेक्ट. स्मॉल वर्ड्स याद करो. अभी नो, मेरी बहन का वन ऑफ माय सिस्टर, शी हैज अ आरआर इज व्हाट 6 राइट नाउ, बट वो एक डेढ़ साल का था ना, इन लोग सर खा जाते थे. आरो पप्पा बोलो, मम्मा बोलो, उन लोग को मजा आता था, पता नहीं क्यों. बट बेचारे बच्चे से रेडियो की तरह बुलवाते रहते थे. अब वो इतना बोलता है कि माँ बाप बोलते मेरे बाप चुप हो जा. ठीक है, दे आस्क फॉर इट. कॉन्सेप्ट सिंपल है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस.
जब भी आप बात कर रहे हो, जब भी कॉन्सेप्ट बात कर रहे हो, तुम वर्ड्स पिकअप करते हो. अब वो वर्ड्स कन्वे करता है मीनिंग. ओके, अगर मैं थोड़ा इंग्लिश का बात करूं, बहुत सॉलिड चीज है वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. डिटेल में नहीं जाता, मैं इंग्लिश नहीं कवर करता, बट कॉन्सेप्ट इतना. हाँ सर, अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग यूज होता है, उतना आता है हम लोग को. वेरी गुड. व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस? सिमिलर टू दिस, तुम्हारे पास भी, सिमिलर टू दिस, तुम्हारे पास भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है टोकन्स. सर मतलब इधर का वर्ड्स अपने टोकन्स? हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग यस, वहां का वर्ड्स तुम्हारे टोकन्स. तो हम लोग बात करते हैं ना कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन्स. ओहो, मतलब सर टोकन्स क्या होते हैं? वर्ड मेड फ्रॉम C++ कैरेक्टर सेट. वर्ड मेड फ्रॉम C++ कैरेक्टर सेट. ओके, वर्ड्स C++ के कैरेक्टर सेट से बना है टोकन्स. अब जैसे इसमें वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन थे, मेरे पास भी कुछ चीज है. अब उसमें से अगर मैं बात करूं तो एक है कीवर्ड, फिर आता है आइडेंटिफायर, फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, फिर आता है लिटरल्स, फिर आता है मेरे दोस्त ऑपरेटर्स. अरे बाबा सर, इतनी सारी चीजें. हाँ टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं, बट उसमें से ये कुछ. ओके, पहले मैं हर एक का एक ब्रीफ दे देता हूं, देन आई विल गो इन डिटेल विद ऑल दिस, सो पीपल पे अटेंशन. कीवर्ड ऑब्वियस है सर, उसके नाम से ही मालूम पड़ता है. कीवर्ड, वर्ड विद स्पेशल मीनिंग. यस, कीवर्ड. आई लाइक टू कीप इट दिस वे, वर्ड विद रिजर्व्ड मीनिंग. वर्ड विद रिजर्व्ड मीनिंग इज कीवर्ड. इसका एक फिक्स रिजर्व्ड मीनिंग है जो आप यूज करते हो. सो बी वेरी वेरी केयरफुल टू ऑपरेट, बी वेरी वेरी केयरफुल टू यूज. सर रिजर्व्ड मीनिंग, डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कैर, इनका एक अपना मीनिंग है. कीवर्ड्स लाइक इफ, फॉर, व्हाइल, डू, एल्स, इनके रिजर्व्ड मीनिंग है. व्हाई? अल्टीमेटली लैंग्वेज इसी रिजर्व कीवर्ड्स पे बना है, विच यू शुड बी नोइंग. बी केयरफुल. देन देयर इज अ आइडेंटिफायर. सर ये क्या है आइडेंटिफायर? ओके, एवरीबॉडी जस्ट टू रिकॉलेक्ट, मेरा नाम क्या है? एनीवे, क्या नाम बोला था मेरा? एनीवन? अमर पंचाल. अमर, थैंक यू, दैट्स माय आइडेंटिफायर. यू रिलेट? आप में से सबका, अगर मैं मेरा स्क्रीन देखो अभी तो मुझे सुमित दिख रहा है, तनुज दिख रहा है, सिद्धेश दिख रहा है, निवेदिता दिख रही है. लेट्स अंडरस्टैंड वन वे, ये क्या है आइडेंटिफायर? मैं रस्ते पे पीछे चलू, नो, मैं वहां आऊंगा तभी यू गाइस वुड अंडरस्टैंड व्हाट एम आई. रीजन, आई एम समबडी, अभी टीवी पे छोटा दिख रहा हूँ. आई एम समबडी हु इज 6'3" एंड अभी सुबह का वेट के हिसाब से 121 kg का, 121 kg. आई एम प्रीटी ह्यूज कैरेक्टर. सो मैं रस्ते पे चलू तो पब्लिक चिल्लाते हैं अमर या अमर सर, तब मैं देखूंगा ना आइडेंटिफायर. तो कोई तुमको सडनली पकड़ के बोले हु आर यू, यू आर नॉट गोना आंसर, ह्यूमन, येड़े हो तुम लोग नाम बोलते हो. तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, आइडेंटिफायर वे टू रेफर डेटा, इन्फो, स्टोर इन मेमोरी. सर इन मेमोरी, हाँ सारा इंफॉर्मेशन रैम में होता है. अब रैम को एड्रेस मिलता है, बट एड्रेस में यूज करूंगा नहीं, तो उस एड्रेस को मैं नाम दे दूंगा. सर वापस बोलो, सारा डेटा तुम्हारे रैम में होता है. रैम तुम यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो इंटरनल सिस्टम करता है. तो मतलब सर जब मैंने डेटा बनाया, रैम में जगह मिलेगा. हाँ, अब उस जगह का एड्रेस तुम याद नहीं रख सकते, तो मैंने उस जगह को नाम दे दिया. जैसे कि फॉर एग्जांपल, तुम्हारे सबके पास, हम सबके पास घर है. अब लेट्स प्ले दिस थिंग. घर है, मैं अभी ये जो स्टूडियो है मेरे स्टडी रूम में, हम लोग ने पूरा स्टूडियो बनाया बिकॉज राउंड द क्लॉक अलग अलग होते हैं, तो मेरा स्टडी रूम हैज बिकम माय स्टूडियो. तो मैं आइडियली स्पीकिंग आई कैन से मैं मेरे स्टूडियो यानी मेरे घर पे हूँ. ओके, शायद अभी अगर घर से नहीं निकले तो तुम लोग भी घर पे हो अपने अपने. डू यू रिलेट?
सर किधर हो? घर पे. तुम किधर हो? घर पे. आईला दिख नहीं रहे हो. ए सर हेलो, तुम तुम्हारे घर पे हो, मैं मेरे घर पे हूँ. अपने एड्रेसेस अलग है, बट एड्रेसेस को आपने जो वेरिएबल दिया, जो नाम दिया, जो आइडेंटिफायर दिया, दैट्स होम. कॉन्ग्रेट्स. आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट इतना सही है. फिर आता है स्ट्रिंग. भैया अपने पास स्ट्रिंग दो तरह के होते हैं, सिंगल कैरेक्टर ए बी सी, मल्टी कैरेक्टर अमर. सर क्या फर्क किया? ए भाई ध्यान से देखो, सिंगल कोट दिखाने दो वापिस, डबल कोट. एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, डबल कोट, एक ही कैरेक्टर होगा, सिंगल कोट. लिटरल काइंड ऑफ अ कॉन्स्टेंट. अब इसमें भी दो टाइप है, स्ट्रिंग लिटरल एंड नंबर लिटरल्स. स्ट्रिंग लिटरल में आई कैन गिव यू फॉर एग्जाम्पल अमर, ओके. या अगर मैं कहूं नहीं यार, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट माई इंस्टाग्राम हैंडल, आई वुड से अमर द कोड लाइफ कोच, दैट्स माई इंस्टाग्राम हैंडल. तो ये भाई इतना सारा स्ट्रिंग है टू डबल कोट्स. सिंगल कैरेक्टर हो गए एबीसीडी, सिंगल कोट. नंबर में भी आई कैन से कॉन्स्ट, सर ये क्या है? कॉन्स्टेंट बनाते हैं, इसे आप चेंज नहीं कर सकते. फिर बोल सकता हूं फ्लोट, पी आई इज इक्वल टू 3.14. ओ मतलब सर आपने पाई बनाया, 3.14 वैल्यू दिया और वो कॉन्स्टेंट है. ऑपरेटर्स भैया अपने पास बहुत लंबा लिस्ट है. नो बिटवाइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, अरिथमेटिक, टर्नरी, बहुत सारे ऑपरेटर्स है. बट अगेन सो इमेजिन करो, वर्ड्स से तुम्हारे पास टोकन्स बने और टोकन्स में इतनी सारी चीजें है. यहां तक एवरीबडी क्लियर? यस यस सर. यस सर. थैंक यू पीपल, थैंक यू. सो यू रिलेट. आई एम नॉट टेकिंग डायरेक्ट प्रोग्राम. रीजन, ये कॉन्सेप्ट जब तक दिमाग में नहीं बैठेंगे ना, आई वुड से वी क्रिएट अ वेरिएबल इन अ रैम. पब्लिक ऐसे हंस के देखता है, सॉलिड है, कुछ नया नया बोल रहा है. और तुम लोग का मजा है, ये मत करना. अभी तो ठीक है, घर पे मैं ऑफलाइन पे भी आऊंगा तो ऐसे ही सिखाता हूँ. आई डोंट टेक इट सीरियसली. मेरा लेक्चर, आई हैव माई ओन वेज ऑफ टेकिंग. जहां नहीं समझा, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछना, पूछो. मैं तो चांस भी देता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, एवरीबॉडी क्लियर, पूछ लो. तभी तुम लोग का नो स्टूडेंट लेवल पे तुमने एक गड़बड़ किया था, कुछ नहीं समझा तुम दूसरे, तेरे को समझा, माला पर नया समझ ले. Then neutral. तेरे को भी नहीं समझा, मेरे को नहीं, छोड़ना मत करना. जॉब चाहिए ना, अच्छा चाहिए, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो नहीं समझे तो पूछो, सो दैट वी कैन एक्सप्लेन इट फर्दर. सो ये तो पहला टोकन है. सो टोकन के बाद क्या? अब मजे का बात है, दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ, अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वॉट वुड बी योर आंसर? इफ समबडी आस्क्स यू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ टोकन्स. Okay, other than that, programming language is made up of what? Words से हमने no statements बनाए, तो हम लोग ने यहां पे instructions बनाए. I'm just showing you relations. So the programming language is made up of instructions. Yes, very good. What are? Three, sequence, branch and loop. तीन तरह के statements है जिस पे programming language बनता है. तीन तरह के statements है जिस पे programming language बनता है. सर एक मिनट, मतलब instruction तीन type के? हाँ, technically. You have a sequence, branch and loop. Sir, relation? Simple. Sequence. One after another. इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा. Branch. You take a call. There is always a decision. If you say yes, so and so. If you say no, so and so. And then you decide and move ahead. That's branch. Sir, loop. अरे भैया, सिडैक में आ गए हो. Very good. नेक्स्ट 6 महीने तक तुम्हारा लाइफ लूप में आएगा, स्पेशली व्हेन यू शिफ्ट टू नासिक. सुबह उठो, अच्छा लगे या नहीं लगे, गपचुप ना हो तो खाओ और लेक्चर में बैठो. शाम को आइडियली जब मैं वहां आऊंगा, मेरा लेक्चर 5-1 बजे तक चलते, 5-5:30 तक मैं लेक्चर लेता हूँ, देन आई गिव यू अ ब्रेक. फिर तुम लोग लैब में बैठते हो 7-8 बजे तक, देन यू गाइज लीव. दूसरे दिन वापस रिपीट होगा, सो इट विल बी रिपीटेड अगेन अगेन एंड अगेन.
अगर यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म किया तो आई रिमेम्बर नासिक के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लास्ट बैच के जिनको 11 लाख और 12 लाख के भी पैकेजेस मिले हैं. सो इट्स नॉट कि नॉट पॉसिबल, यू नीड टू मेक इट पॉसिबल. सो देन यू गो बैक, यू वर्क विद द लूप. लूप क्या है? वही सीक्वेंस. तो सीक्वेंस है विद द कंडीशन. खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ ना, वापस चालू करो. तो यानी कि स्टॉप, देन यू गो एंड स्टॉप, यू कंटिन्यू. तो भाई चलते रहने दो, दैट्स लूप. कोई पूछे अगर what are the basic building block for any programming language, answer three basic type of statements. What are the three basic type of statements or instruction? Sequence, branch and loop. कोई भी programming language या program, ये तीन चीजों से चलता है. Sequence, branch and loop. खैर आगे तो ये डिटेल में करना है, बट करंटली टोकन से इंस्ट्रक्शंस बनते हैं. इंस्ट्रक्शंस तीन तरह के हैं और इसी पे तुम्हारा पूरा फंडा है. सीक्वेंस होता है, ब्रांच होता है, लूप होता है, इस पे पूरे इंस्ट्रक्शंस बनते हैं. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस सर. यस सर. वंडरफुल. यस सर. परफेक्ट. इफ यू वांट स्क्रीनशॉट ले लो. चल गुड. तो ये तो कोर कॉन्सेप्ट हुआ सर. अब इंस्ट्रक्शंस के स्टेटमेंट्स के बाद क्या होता है याद है? उसके बाद एक सॉलिड चीज करवाया गया जो मुझे आज तक नहीं समझा क्यों करवाया गया. ऐसे राइटिंग जिसे मैं बोलता हूँ पैराग्राफ्स. याद है? आई रिमेम्बर नो मैं भी नो लास्ट इस ईयर के स्टार्टिंग में आई वॉज अवॉर्डेड विद महाराष्ट्र रत्न फॉर एजुकेशन. आई रिमेम्बर मैं बहुत बड़े बड़े लोगों में बैठा था, मतलब सब बिग शॉट थे. तो एक इंटेलेक्चुअल नो बड़े यूनिवर्सिटी के डीन थे जो बाजू में बैठे थे. मैंने बोला सर you have, you know, I have heard your speech. आपने as a teacher चालू किया, फिर धीरे धीरे आप नो इंडस्ट्री में आए, फिर आपने खुद के कॉलेजेस चालू किए. हाँ ना, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो. बोलो, बोले ये ऐसे राइटिंग क्यों डाला था हम लोग ने सिलेबस में, मतलब क्यों लाइफ बर्बाद किया था बच्चों का. टू विच ही टोल्ड मी अमर ऐसे राइटिंग इज फॉर इम्प्रूविंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, विच आई डोंट एग्री. बिकॉज ऐसे राइटिंग में क्या थर्ड ग्रेड टॉपिक मिलते थे, मुझे भी याद है, तुमको याद होगा तो याद है, एक पेड़ की आत्मकथा, वन आवर एट बस स्टॉप. माँ कसम ऐसे, आई मीन आज के डेट में कोई बोले वन आवर एट बस स्टॉप, कुछ नहीं, मैं बैठा पबजी चालू किया, वन आवर इज गॉन, दो लाइन का ही ऐसे आएगा. हम लोग तो क्या क्या लपेटते थे याद है? करो अपना अपना, और उसमें भी मजा आता है याद है. माई ग्रेट मदर, माई ग्रेट फादर, या मदर और फादर ही अपने सर पे बैठ के लिखाते थे, लिख पापा ये भी करते, लिख मम्मी ये भी करती है, वेरी गुड. तो हम लोग क्या करेंगे सर इसके बाद? इसके बाद जब इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए तुम्हें, तो भैया फाइनल आएगा कोड. माइंड यू कोई भी चीज कोडिंग से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. प्रोग्रामिंग पब्लिक पहले ही दिन चालू होता है, हेलो वर्ल्ड, काई का हेलो वर्ल्ड हिला देता है तुम्हारे सिस्टम्स को. रीजन ये सब पहले समझो. सो मेरा रीजन वी डिसाइडेड दिस, मी सोनावना सर एंड नासिक टीम डिसाइडेड कि ऑनलाइन वहां आने से पहले भी कैन वी एनकैश. सो दैट्स द आइडिया कि हम लोग ये कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करते. सो वहां आके जब मैं कोर प्रोग्रामिंग चालू करूं तो ये ना हो कि सर ये सब तो आता ही नहीं. सो लेट्स गो विद दिस बेसिक्स. यहाँ तक सब क्लियर है? कुछ क्वेश्चन अभी तक? एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग? नो सर. नो सर. यस सर. चलो very good, thanks guys. And I repeat again and again guys, ask. No, zara bhi doubt hai, kuch bhi hai, no, ya tumhe lag raha hai sir ye iska matlab hai, reconfirm karna hai, I really don't mind. I love student asking doubts because that means kuch to dimag mein ja raha hai unke. Okay, so be frank, be clear. Jitna puchoge jo doubts clear karke lene le lo. Because मैं foundations क्यों ले रहा हूँ? See, practically speaking, I take more than 17 different technologies, industry research से लेके programming तक. But फिर भी with CDACs, I always tend to go for foundations. Reason, foundation is like ground floor. वो अगर तुम्हारा strong रहा ना, तो भाई तुम्हारा building बुर्ज खलीफा भी हो सकता है. So best of luck. So currently going with the next. अब शुरू करते हैं actual काम. अभी तक तो मैंने एक basic process बोला कि programming language क्या है. अब working path है. Working of C++. This you should know. Sir, क्यों? सबसे बेसिक चीज है जो आपको मालूम होना चाहिए. सर वर्किंग ऑफ सी तो सिंपल है ना. हाँ, बट हाउ मच यू नो ऑफ दिस?
ये वर्किंग ऑफ सी प्लस प्लस में एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि सी प्लस प्लस रन कैसे होता है. जस्ट मिनट, तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये चलता कैसे, हाउ डू वी एक्चुअली वर्क, हाउ डू वी एक्चुअली ऑपरेट विद दिस. तो वर्किंग ऑफ सी प्लस प्लस इज प्रीटी सिंपल. आप सोर्स कोड लिखते हो, वो प्रोसेस होता है एंड देन वो कंपाइलेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट बनता है और उससे मशीन चलता है. सर सिंपल शब्दों में बोलो. ओके, लेट मी हेल्प यू. द कॉन्सेप्ट इज दिस वे. तुम्हारा महान यूजर एक सोर्स कोड बनाता है. Then, इसे कंपाइलर को दिया जाता है. उसमें से वो ऑब्जेक्ट कोड बनाता है. .obj फाइल. फिर उसे मशीन को दिया जाता है. मतलब OBJ कॉल लोड होता है सर. हाँ, टेक्निकली OBJ लोड होता है और उससे एग्जीक्यूटेबल बनता है. तो अगर बड़ा सिस्टम देखो तो ऑब्जेक्ट कोड से एग्जीक्यूटेबल बनाया जाता है जो मशीन को दिया जाता है और मशीन फिर उसे रन करता है. मतलब सर मशीन वुड एग्जीक्यूट दैट. टेक्निकली व्हेन वी टेंड टू वर्क विद, टेक्निकली व्हेन यू टेंड टू ऑपरेट, ये इसी बेसिस पे चलता है. तो तुम्हारा पूरा स्टोरी, तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट इसी लॉजिक पे चलता है कि हम लोग सोर्स कोड लिखेंगे, सोर्स कोड बनाएंगे और उस पे से तुम्हारा बाकी का काम चलेगा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट दिस. सोर्स कोड, कंपाइलर, ऑब्जेक्ट. सर तो कंपाइलर बेसिकली ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल यानी कि मशीन के लिए .exe बनता है, वो रन हो. कंपाइलर के दो बड़े रोल्स है. कंपाइलर सबसे पहले तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है. सर बाइनरी, बाइनरी उससे exe बनाता है. सर तो ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटेबल क्या फर्क है? एग्जीक्यूटेबल जब बनता है वो जनरली मशीन स्पेसिफिक बनता है, मशीन डिपेंडेंट जिसे मैं कहता हूं. ऑब्जेक्ट कोड से लेके यहां तक जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है. मतलब एक सी सर मशीन बेस्ड रहता है जनरली. हाँ, क्योंकि अगर मशीन चेंज हो गया या उसमें कुछ कॉन्फिग चेंज हो गया तो मशीन नो वापस कंपाइल करना पड़ेगा. तो जनरली वी गिव सोर्स कोड. On your machine, you have to run and it will create your own exe to work into picture. So, sir, compiler ka kaam kya? Now, this is very, very interesting. There are terms. Compiler works in what? Sabse pehla, syntax check. Syntax check, Amar. Matlab, simple. What is syntax? Ye yaad rakhna bahut baar pucha jata hai. Syntax is grammar of programming. I repeat, syntax is grammar of programming. Sir, grammar of programming क्या होता है? English का grammar. Imagine करो अगर grammar आगे पीछे किया तो. हम में से बहुत लोगों का इसलिए तो English में बचती है. Grammar के मानते होते हैं. No, अभी one of my batch, उसमें एक प्यारा सा character है called सूरज यादव. He belongs to UP side. तो English और इसका ज्यादा कोई लेना देना नहीं है. So, there's a full stack Java batch which we are taking. So, I remember उस batch में ये बंदा. एंड जैसे हर बंदे को इंटरेस्ट रहता है बंदी ढूंढने में, इस भाई साहब का दिल आया है हम लोग के फर्स्ट बेंचर स्टूडेंट में, विच इज शी. चलो लड़की का नाम नहीं बोलते, बट शी इज कॉन्वेंट की लड़की. तो आके बोलता है सर सुनो ना, मदद चाहिए. मैंने, आई एम ऑलवेज ओपन. क्या वो मुझे लगा मदद कोडिंग में चाहिए. मुझे लगता है सर वो फर्स्ट बेंच पे बैठती है ना, मतलब तुझे लगता है ये मदद मैं करेगा? ये वो मदद नहीं मांग रहा, उसे क्या बात करूं? तू भूल गया मैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ये सिखा दो, ये मेरे धंधे नहीं है. अरे सर बोलो ना, इंग्लिश में क्या बोलूं? तो इसका इंग्लिश कितना अच्छा हम लोग को मालूम है. बोला देख सिर्फ एक काम करना, वो कॉन्वेंट की लड़की है, शी स्पीक्स ओनली इन इंग्लिश, बेटा एक ही काम करना, सिर्फ जाना कॉन्फिडेंस से,
सिर्फ हाथ आगे करके बोलना हाय आई एम सूरज, इतना कर लेगा। हंसा सर वापस बोलो, बोला हाय आई एम सूरज, सिर्फ इतना ही बोलना, बाकी कुछ हीरोगिरी मत करना। बोलता फिर क्या करूं? मैं फिर हिंदी में बोलना, क्योंकि अगर तूने इंग्लिश बोला तो इज्जत तेरी भी नहीं बचेगी। ठीक है ये भाई साहब बाद में, ये इतना बोल के मैं चला गया। तो उसी दिन वी हैव अ वर्कशॉप, ये मेरे जो फुल स्टैक बैचेस होते हैं, दिन में 7-7 घंटे चलते हैं हम लोग का, सुबह से रात तक हम लोग ट्रेन करते हैं। तो ब्रेक हो गया, ब्रेक खत्म हुआ, लंच ब्रेक खत्म हुआ। अब मेरे को क्यूरियोसिटी था कि हुआ, तो एंड में जब जा रहे थे तो इसको मैंने पकड़ा, बोले इधर क्या हुआ? इससे पहले इसके दोस्त हंस रहे, मैंने लगा मतलब क्या हुआ सैंडल? नहीं रहने दो, बात नहीं करना। बोला अबे बोल तो क्या हुआ मेरे भाई? तो उसके दोस्त हंस रहे, बोलो क्या हुआ? बोलता है सर उसके सामने खड़ा हो गया पहाड़ की तरफ और इंग्लिश में बोला। बोला बराबर है, मैंने बोला। बोला सर उसको पूछो क्या बोला, ये हंस रहा है सब हंस रहा है। मेरे को ज्यादा क्यूरियोसिटी, मैं बोला क्या हुआ? बोला सर उसके सामने जाता है, हाथ करता है और बोलता है एम आई सूरज। मैं उसको देख रहा सब हंस रहे, बिकॉज सडनली जिनको जोक नहीं समझा, आई एम सूरज इज यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन कि मैं सूरज हूँ। एम आई सूरज मतलब वो पूछ रहा था कि क्या मैं सूरज हूँ। बोला लड़की ने क्या बोला? बोलते सर हंसी और साइड से चली गई। बोलो नसीब बोल, मेरे जैसी कोई होती तो बोलता माँ बाप से पूछ। बट ठीक है, जोक्स अपार्ट, सिंटेक्स यही चीज प्रोग्रामिंग में भी है। अगर ग्रामर फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा मीनिंग कंप्यूटर को नहीं समझेगा, एंड दैट इज वेयर सिंटेक्स कम्स इनटू पिक्चर। ये याद रखना, कहीं पे लिख लो इफ यू वांट, व्हाट इज सिंटेक्स? ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर इसे फॉलो करोगे तो प्रोग्राम चलेगा, अगर फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। सो इफ यू समबडी सेज व्हाट इज सिंटेक्स, सिंटेक्स इज अ ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग, याद रखना ये चीज। तो पहला चीज हो गया, चलो सिंटेक्स चेक। इसके बाद सेकंड होता है सिमेंटिक्स चेक। अब सर सिमेंटिक्स चेक क्या होता है? तुमने ग्रामर वाइज बराबर लिखा है, बट जो लिखा है क्या वो अलाउड है लिखना? जब इनमें कोई भी एरर हो, ये दोनों चेक के बाद अगर कोई एरर है तो वो एरर का लिस्ट बनाता है और वो लिस्ट वापस यूजर को देता है। यूजर को बोलता है भाई तू करेक्ट कर, फिर मैं आगे जाएगा। तो सिंटेक्स चेक, सिमेंटिक्स चेक कंपाइलर करता है। सर चलो सक्सेसफुली हो गया, कोई एरर नहीं था, तो क्या करता है? तो वो पूरे सोर्स कोड को, पूरे सोर्स कोड को, पूरे ऑब्जेक्ट, सर ये पूरा पूरा क्यों बोल रहा? द एंटायर फाइल विच वॉज अ सोर्स फाइल गेट्स कन्वर्टेड टू डॉट ओबीजे फाइल कंप्लीटली। इस वजह से C++ जैसे लैंग्वेज आर स्टिल फास्ट। ये फास्ट है क्यों? पूरे कोड को मैंने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, उसे पूरे कोड को एग्जीक्यूटेबल करके मशीन पे डिप्लॉय कर दिया। दैट मेक्स इट बिगर, दैट मेक्स इट लार्जर देन लाइफ। तुम्हारा C, C++, जावा जैसे लैंग्वेज इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो मतलब सर कंपाइलर ट्रांसलेटर है, हाँ ये हाई लेवल को लो लेवल में ट्रांसलेट करता है। दिस इज हाउ वी वर्क विद द सिस्टम, दिस इज हाउ वी ऑपरेट विद द सिस्टम, दैट इज हाउ वी वर्क विद। So be very, very careful how we work. This is how we operate. Everybody clear? This is the basic working of C++. Sir, can you just please repeat once? The entire process? Yeah, just an overview from start to end. Not in detail completely. Okay. See, we write basically is a source code, guys. Source code gets translated via the compiler. Compiler ये translate करते वक्त syntax और semantics check करता है। जो आपने लिखा है क्या वो grammar wise बराबर है? फिर क्या जो आपने लिखा है grammar ही नहीं, in terms of content, is it allowed to? जैसे कि adjectives तुम लोग use करते हो, वो adjectives allowed है? For example, I will give you a very simple example. Syntax बोलता है adjective can be used. He is handsome. लड़कियों के लिए beautiful is a term. तुम अगर किसी लड़के को बोल दोगे आई लव यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल तो ड्रीम गर्ल 2 होगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। सिमेंटिक्स ये चेक करता है कि ब्यूटीफुल लड़की, हैंडसम लड़का, ये सिमेंटिक्स है। सिंटेक्स ग्रामर चेक करता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर कोई एरर आए तो एरर लिस्ट यूजर को जाता है, यूजर को करेक्ट करना है, फिर कंपाइलर। अगर एरर नहीं है तो कंपाइलर पूरे कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट कर देगा और फिर मशीन को दे देगा। दैट इज हाउ वी वर्क विद द एंटायर टर्म। यानी कि ये हाई लेवल को लो लेवल में ट्रांसलेट करके आगे जाना पड़ता है। क्लियर?
Yes, sir. Okay, sure. So this is how the entire system is going to work. Aapka pura system isi concept pe ya isi logic pe work kar raha hai. Be very, very careful. So ye C++ ka working hai. Abhi ye ideally ye sari cheez hai na, we know. But again, meri aadat hai, ki ye foundation se zara dimag mein daalo, so that when I use word compilation, nobody thinks ki alag kya hota hoga, because this is what compilation is about technically. So that is what we go through. Chalo, वहां से स्टोरी शुरू करते हैं, वहां से लॉजिक शुरू करते हैं, अब थोड़ा आगे लेते हैं यार. कंपाइलेशन तो अमर हो रहा है, वेरी गुड. कंपाइलेशन यहां से चल रहा है, कंपाइलेशन के बारे में हम लोग ने बात किया, सब 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 माना. अब थोड़ा आगे लेके चलते हैं, अब एक 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 टर्म्स कीवर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखना शुरू करते हैं. तो भाई सबसे पहले मेरे को प्रोग्राम बनाने के लिए अमर क्या क्या चाहिए? डेटा टाइप, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, एक एक चीजें करना शुरू करते हैं. चलो सबसे पहले हम लोग को बात करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स. सर ये हो गया आपने बोला था वर्ड्स विथ रिजर्व्ड मीनिंग. हाँ, कीवर्ड्स में मैं कवर कर रहा हूं डेटा टाइप. सर डेटा टाइप क्या है? गिव्स बेसिक properties of data. Sir, मतलब depending on data type, certain property आता है. अब for example, अब मेरे साथ ये हालत होता है, until unless people don't know even my name, या बहुत बार no, they don't write Amar Panchal, they just write Dr. Amar and leave it, thanks to the PhD which I have. So with that मजा आता है जब मैं entry मारता हूँ करंट लुक के साथ. फर्स्ट गेस जनरली पब्लिक का होता है, अमर नाम है तो जनरली मोमेडियन से तो हट जाता हूँ, बट पहला टारगेट होता है पंजाबी है, शायद साइज नो 6 feet 3 inches का हो और काफी हेवी हो, पंजाबी है. फिर पब्लिक होता है सर पंजाबी हो. सेकंड गेस फिर निकलता है कुछ नो सिंधी, दैट इज व्हाट आई हैव बीन कॉल्ड अगेन. मैं बोलता हूँ नहीं. फिर पब्लिक पूछता हो कौन, तो पंचाल के वजह से लॉट ऑफ पीपल इवन फील मराठी. अरे सर मराठी आहत तुम्ही, और नो व्हेन इट कम्स टू नीड अच्छा खासा मराठी बोल लेता हूँ. बोलते मैं मुंडीला तो नहीं, तो हो कौन, मैं हंस के बोलता हूँ गुजराती. है ना पब्लिक ऐसे हंस के देखता है, गुजराती हो लगते नहीं हो, पता है. तो कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल. जब मैं गुजराती बोला तो मजा आता है. दिस आई रिमेम्बर 6 years back जहां से हम लोग नो व्हेन आई फर्स्ट टाइम हैड केम टू नासिक ये का है बैच लेने के लिए. तभी आई रिमेम्बर सोनावने सर के साथ जोक हुआ था, तो सर बोलते सर खाने जाते. अब सर ने 3 दिन तक बैक टू बैक वेज ही खाना पड़ रहा था, तो मैं वेज खा रहा था. बोलते है सर आपको तो ये नहीं है, आई हैड अ मूड कि मैं नॉनवेज खाऊ. मैंने सर मैं तो 3 दिन से रेडी हूँ खाने के लिए. सर तुम्हें नॉनवेज खाता है? हो तुम्हें गुजराती आत ना? बोलो हाँ. फिर नॉनवेज कैसे खाते हो? मैंने मुंह से ही खाता हूँ सर. बोले सर ऐसे नहीं, आप गुजराती होके खाते हो? बोले हाँ. अब लेट्स कम बैक टू दिस, मैं गुजराती हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट्स डेटा टाइप. नाउ पीपल कंसीडर सर्टेन प्रॉपर्टीज. सबसे पहला मेरी बचती है ये वेज होगा, गुजराती ना, गुजराती थोड़ी नॉनवेज खा सकते हैं, पाप लगता है भाई. मैं खाते हैं यूएस में 5 साल जब आप रहते हो, यू गेट हैबिचुअल ऑफ ईटिंग एवरीथिंग. सो कॉन्सेप्ट रिमेंस इज वेरी वेरी सिंपल. डेटा टाइप, डेटा टाइप तुमको प्रॉपर्टी देता है. मुझे अक्सर मेरे पे जोक मारे जाते हैं, ए तेरे को तो स्वीट बहुत अच्छा लगता होगा ना. मतलब हाँ क्यों, गुजराती है ना. मतलब गुजराती बोल के लेबल चिपका देते हो, तो प्रॉपर्टीज है ना. तुम खुद सोचो, हर रिलीजन का अगर बात किया जाए तो हम लोग प्रॉपर्टी नहीं चिपकाते. आई हैव अ सरदार फ्रेंड हु इज अ प्योर वेजिटेरियन एंड इट डजंट ड्रिंक. नो मैं और वो ग्रुप में है जिसको हर पार्टी में बुलाया जाता है, क्योंकि हम लोग दोनों पीते नहीं है, फूकते नहीं है. तो एंड में नो जब सब लोग टल्ली रहते तो गाड़ी चलाने को कोई चाहिए ना, इसलिए हम लोग को इनवाइट मिलता है. ऐसे नहीं कि हम लोग बहुत पॉपुलर है, लॉजिक सिंपल है. अब तुम लोग जब बोल रहे हो सरदार, आई रिमेम्बर मेरे साथ ये उल्टा जोक हुआ था. नो मैं नॉनवेज खा रहा है और ये बोलता मैं दाल खिचड़ी मंगवा रहा है. मतलब तंदूरी मंगवा खा, बोलता आई डोंट ईट नॉनवेज. और तभी जैसे पब्लिक को धक्का लगता है गुजराती सुन के वेज नॉनवेज खा रहा है, मेरे को पहला धक्का लगा था. तू सरदार है तो मतलब तू नॉनवेज नहीं खाता? मतलब क्या जमाना आ गया, एक गुजराती तंगड़ी तोड़ रहा है और एक बेचारा सरदार.
वो खिचड़ी खा रहे थे ना, रियलाइज उनके घर में गुरु की सेवा और सब होती है, तो उनका पूरा खानदान वेजिटेरियन। एग्जाम्पल डेटा टाइप, डेटा टाइप तुमको प्रॉपर्टीज देता है और हर डेटा टाइप का अपना एक प्रिसाइज प्रॉपर्टीज है, बी वेरी वेरी केयरफुल। सो व्हेन समबडी सेज डेटा टाइप, उसका यूज क्या है, दैट विल ऑलवेज अलाउ कि कौन सा डेटा टाइप क्या प्रॉपर्टी देगा, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये तुमको याद रखना पड़ेगा, यू नीड टू रिमेम्बर डेटा टाइप, कितने डेटा टाइप्स है, क्या है, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, मेक इट वेरी वेरी क्लियर इन योर हेड। क्यों? हर एक डेटा टाइप का अपना यूज है, हर एक डेटा टाइप का अपना कॉन्सेप्ट और अपना ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेटा टाइप, व्हेनेवर वी वर्क विद डेटा टाइप, तो उसके अपने सेट्स है। अब ये डेटा टाइप्स के सेट्स क्या, जरा बात करते हैं। तो डेटा टाइप में सबसे पहले है तुम्हारे पास न्यूमेरिक। सर न्यूमेरिक मतलब नॉर्मल नंबर, बट नंबर्स में तुम्हारे पास आता है इंट, फ्लोट, डबल। सर इंट, फ्लोट, डबल, ये क्या है? दिस आर द डेटा टाइप, दिस आर द डेटा टाइप्स। देन सेकंड आएगा, अगर हम लोग बात करें तो तुम्हारे पास आते हैं कैरेक्टर। इसमें कैरी याद रखो, आगे जाके स्ट्रिंग ऐड होगा, आगे जाके स्ट्रिंग ऐड होगा। तीसरा तरह का डेटा टाइप है बुलियन। ये क्या है? इसका डेटा टाइप का कीवर्ड है बुल, BULL नहीं, BOL, बुल, बुलियन। फिर वी डू हैव ऑप्शंस, फिर वी डू हैव ऑप्शन। सर मतलब जैसे कि इन्हें कहा जाता है मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स में आता है शॉर्ट, लॉन्ग। सर ये क्या है? चार अनसाइंड, साइन। सर मॉडिफायर्स क्या है? डेटा के साथ कंबाइन होके, डेटा के साथ कंबाइन होके ये तुम लोग को अलग अलग डेटा टाइप्स दे सकते हैं। तो डेटा के साथ कंबाइन होके अलग अलग डेटा टाइप मतलब क्या सर? सिंपल है, डिपेंडिंग ऑन विच डेटा टाइप यू आर यूजिंग, डिपेंडिंग ऑन विच डेटा टाइप यू विल बी ऑपरेटिंग, तुम लोग को अलग अलग कैपेसिटी मिलता है। अब जैसे कि मैं बात करूं, एक नॉर्मल इसका बात कर लूं, तो अगर मैं वर्क करूं 2 byte, 4 byte, 8 byte, कैरेक्टर अगेन 1 byte, बुलियन 1 byte, शॉर्ट लॉन्ग इंट इसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो हैव लॉन्ग इंट विच इज अपेरेंटली, सॉरी माई बैड, int which is apparently 4 byte, double ko you also have long double which is not 8, in fact 10 bytes। to isliye na modifiers ke naam pe jana jata hai, akela long bhi use kar sakte ho, wo bhi 4 byte ka hota hai, long int bhi use kar sakte ho, but khair tum log ka major data type mein int, float, double pakad ke chalo, char, boolean, ye modifiers। to sir ye signed unsigned kya aur itne data types mein itna types kyu leke aaye? Now that is also a good question to ask, कि इतने सारे डेटा टाइप्स क्यों? मतलब सिंपल है ना सर, न्यूमेरिक में इंट रख देते हैं, तो इंट और फ्लोट में एक बड़ा डिफरेंस है कि इंट नेचुरल नंबर रखता है, नेचुरल नंबर मतलब 12, 13, 1, 5, फ्रैक्शन पॉइंट नहीं होगा, फ्रैक्शन पॉइंट नहीं होगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल जब भी आप बात करोगे, फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होंगे। सर तो फ्लोट क्या है? कॉन्ग्रेट्स, अगर मैं बोलूं नहीं अमर मुझे फ्रैक्शनल टाइप्स चाहिए, तो तुम्हारे फ्रैक्शनल टाइप में फ्लोट और डबल आता है। सर फ्रैक्शनल मतलब 3.14, जिसमें डेसिमल पॉइंट तुम लोग बोलते हो ना, वो डेसिमल पॉइंट इसमें आते हैं, वो डेसिमल पॉइंट इसमें आते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू द ऑपरेशन, व्हेन इट कम्स टू द वर्किंग। अलॉन्ग विद दिस जब भी आप बात करते हो, अलॉन्ग विद दिस जब भी आप कॉन्सेप्ट का बात करते हो, जहां से ये सारी चीजें चलती है, तो उसमें इंट, फ्लोट, तो सर डबल का ही होगा ना, बड़े नंबर्स और बड़े नंबर्स उसके लिए यार। तो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट 1 byte, 4 byte, 8 byte, सबके साइजेस अलग है। अगर करंट सी का मैं बात करके चलू, करंट सी का अगर मैं एग्जांपल लेके चलू, तो इन्होंने एक वेरिएशन डाला, इफ यू वॉन्ट आई कैन पुट इट दैट ओवर हियर। इन्होंने अब कुछ इस तरह से सिक्वेंस दिया है, तुम्हारे पास इंट होता है, इंट से बड़ा लॉन्ग होता है, इसके बाद फ्लोट आता है, फिर डबल आता है। अगर कैपेसिटी तुम लोग को याद रखनी है, सॉरी
याद रखनी है. तो अभी करंट सी प्लस प्लस वर्जन है 4 byte, 4 byte, 4 byte, 8 byte. विद द एनसीसी एंड अदर थिंग्स कमिंग इन टू पिक्चर, इन्होंने लॉन्ग को 8 बाइट का कैपेसिटी दे दिया है. फ्लोट स्टिल इज 4 बाइट, डबल इज 4, यानी कि ये दो साइज, ये दो साइज, ये सिर्फ नेचुरल नंबर रखेंगे, यानी प्लस माइनस, बट विदाउट डेसिमल पॉइंट. ये विद डेसिमल पॉइंट हो गए. कैरेक्टर 1 बाइट का काम करता है, बुलियन 1 बाइट का काम करता है. शॉर्ट अब नहीं यूज होता बिकॉज शॉर्ट 2 ही बाइट का होता है, बट नोबडी यूजेस. तो शॉर्ट अगर बात किया जाए तो 2 ही बाइट का, बट नोबडी यूजेस. तो करंटली ये सर इसमें भी इंटरनली टाइप्स क्यों दिए? वन रीजन, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई एम समबडी हु इज प्रीटी ह्यूज इन टर्म्स ऑफ साइज, तो मेरे शर्ट जनरली 4XL के होते हैं. आप में से कुछ लोग जो सिंगल पर्सली होंगे उनको, मेरे ऐसे दो जन को मैं एक में बिठा सकता हूँ, उतने मेरे शर्ट्स के साइज है. मेरे बहन का बेटा आता है ना, वो मेरा टी शर्ट लेता है, उसमें दो साइड से ऐसे हैंगर लगाता है और उसका घर घर खेलता है उसके अंदर. यानी इमेजिन करो किस साइज के मेरे टी शर्ट होंगे. मैं बहुत बार उसको मार के निकल, मतलब सर्कस का तंबू है बाग, बट सुनता नहीं होगा, छोड़ दो. करंटली कमिंग बैक टू द लॉजिक, तो इतने डेटा टाइप के साइजेस क्यों बनाए? वही ना, मेरा 4XL है, मैं तुमको दे दू तो आप में से कुछ लोग खाली टी शर्ट पहन के फिर कॉलेज आ सकते हो, नीचे कुछ पहनने का जरूर नहीं पड़ेगा. उल्टा अच्छा, तुम्हारा साइज तुम खुद सोचो, 4XL, 3XL, 2XL, XL, लार्ज, मीडियम, स्मॉल. फिर होता है ना कुपोषित बालक, आई मीन जो एक्स्ट्रा स्मॉल, हम लोग के ग्रुप में एक है उसका एक्स्ट्रा स्मॉल, इतनी सिंगल पर्सनली मच्छर साइज का है. तो द कॉन्सेप्ट इज सिंपल, तुमने साइज इसलिए दिए बिकॉज यू डिसाइड अमाउंट ऑफ डेटा यू वॉन्ट टू स्टोर. सर अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर ये कैसे मालूम पड़ेगा? फॉर्मूला याद रखेगा, MCQ टेक्निकल पेपर्स में आता है. सो दैट इज अ वे, माइनस 2^n/2 प्लस 2^n/2 -1. अरे बाबा एक मिनट, सॉरी ये फॉर्मूला है. हाँ, अगर साइन नंबर है यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे मैंने कहा ना दो ऑप्शन, अनसाइन साइन, साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, ये 0 to some n होता है अनसाइन. सर ये n क्या है? हाँ, n. बंधु मुझे जरा मदद करो, हाउ मेनी बिट्स इज 1 byte? हाउ मेनी बिट्स? 8 bits. वंडरफुल. तो अब जरा मैं एक काम करता हूँ, इंट का बात करते हैं. तो सर -2^16, ये सर 16 का ऐसा 4 byte है ना, तो कितना होगा? +2^32 / 2 -1. People help me. उल्टा आधा आंसर बराबर है दोस्त तेरा, जीरो के वजह से. सो जीरो को हम लोग ने यहाँ पे लिया, पॉजिटिव में लिया, तो एक कम हो गया ना, इसलिए -1. ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाई द रेंज इज नेगेटिव टू पॉजिटिव -1 इज बिकॉज 0. याद रखना, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछा. सी लेट्स अंडरस्टैंड, टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं जो भी पूछू वो मेरे क्वेश्चंस कम होंगे, इंटरव्यू के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे. सर तुमको कैसा मालूम इंटरव्यू? बिलीव मी, हर सेंटर का एक काम होता है कि उन लोग जब भी इंटरव्यूज होते हैं वो क्वेश्चन स्टूडेंट से, तुम्हारे साथ भी ये नंबर लगेगा, जैसे जैसे स्टूडेंट बाहर निकलेंगे वहां पे बेचारे बैठे होते हैं, क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, सो दैट वी गेट, और ये क्वेश्चन हम लोग को वहां से आता है. सो बी केयरफुल. सो -2^n/2 to 0 टू +2^n/2 -1 बिकॉज 0 से शुरू किया था. तो सर रेंज कैसे मिलेगा? ये फॉर्मूला यूज करके. तो अगर अगेन इफ आई गो बैक टू दी कैलसी, जस्ट अ मिनट, सो लेट्स मेक अ साइंटिफिक कैलसी ना. ओके, सो आई से 2
rest to 32. So minus 4 to 9. Ek minute, sir. Suno, by 2 aayega. Haan. By 2. Chalo. To, agar main baat karu, 2147483648 minus se. Agar isme aur ek minus 1 dal do. तो प्लस 2147483647 इज द नंबर जो मैं एड्रेस कर सकता हूं. ये रेंज कैलकुलेशन होता है, ये खास याद रखना. ओके, सो रेंज कैलकुलेशन, अब वो कोई पूछता नहीं है, बट ये फॉर्मूला बहुत बार आया. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव नंबर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज वैलिड फॉर अनसाइंड नंबर? अनसाइंड रहा तो बहुत सिंपल है गाइस. अनसाइन बोलता है सिंपल, 0 to 2 raised to n minus 1. अगेन माइनस 1 बिकॉज बंधु जीरो से शुरू किया, 1 से नहीं. ये फॉर्मूला खास याद रखना. अगर तुमको साइंड रेंज चाहिए तो ये फॉर्मूला है, अनसाइंड रेंज चाहिए तो ये फॉर्मूला है. और डेटा टाइप में, सर डेटा टाइप में सच बोलो, सबसे ज्यादा क्या आप यूज करोगे? 99.9% योर कोड्स वुड बी इंट, फ्लोट, बुल, स्ट्रिंग. ये चार डेटा टाइप पे सब कुछ चलेगा, ये चार डेटा टाइप पे सब कुछ चलेगा, 90% चीज है सर. बट स्ट्रिंग तो आया ही नहीं यहाँ पे, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप. तो अभी जो मैंने सिखाया, दे आर टेक्निकली कॉल्ड एज प्रिमिटिव डेटा टाइप. सर प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब ये बिल्डिंग है, इसमें तीन रेंज होते हैं. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, if you want do make a note that this is a primitive data type, int, long, float, double, char and boolean. ye primitive data type aata hai. fir aata hai something which we call as derived data type. so derived kya hai, aage ja raha hu, usme function, array, pointer, reference, char cheeze aati hai. fir aur ek aayega jise kaha jayega abstract data type ya user defined data type. usme aayega class, structure, union, enumeration एंड टाइप डिफ. यानी कि भैया आपके पास बहुत अलग अलग टाइप के हैं, तो अगर वो समझाओ. बट उससे पहले ये समझा, इतना समझा, देन आई विल गो अहेड. एवरीबॉडी क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. वंडरफुल. सो आई होप पीपल आर गेटिंग इट क्लियरली इन हेड. यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन? एवरीबॉडी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है सबको? यस सर. यस सर. यस सर. Good, wonderful. Love that last, जिसका भी आवाज था, confidence लग रहा था. Good, good to hear that. चलो, अब मैं बात करता हूँ वापस डेटा टाइप. सर हुआ ना? नहीं रे बाबा, याद रखना कि डेटा टाइप्स में C++ में भैया तीन बेसिक टाइप्स आते हैं, प्रिमिटिव, डिराइव्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड. ये खास याद रखना, बहुत सारे टेक्निकल पेपर्स में ये पूछा गया, तो इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ. सो डेटा टाइप में कुछ है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव म्हणजे बिल्ट इन, मतलब जो रेडीमेड दिया है भाई ये लेके जा, रेडीमेड. दूसरा आता है डिराइव्ड. सर डिराइव्ड मतलब मैंने अवेलेबल डेटा टाइप्स को कॉम्बिनेशन में यूज किया. ओके, तो इसे बिल्ट फ्रॉम प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव ही है बट इसमें थोड़े वेरिएशन दे. फिर मेरे दोस्त आता है यूजर डिफाइंड. सर यूजर डिफाइंड, हाँ, यूजर के डिफाइन किए तुम नया डेटा टाइप्स यहां पर बना सकते हो. तो इसका मतलब होता है यूजर मेड. ठीक है सर, इसमें लिस्ट दो, int, long, float, double, char, bool. So derived, derived में तुम building type लेके कुछ बनाओ तो उसमें आता है तुम्हारा function, pointer,
रेफरेंस, मतलब किसी का रेफरेंस लेके बना, और फिर आता है वन ऑफ द मैक्सिमम यूज एरे, ये बहुत यूज होता है, एरे को भर भर के यूज करोगे, बी केयरफुल। देन यूजर मेड में आता है स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास। इसके अलावा इनम नाम का भी एक चीज है, सर ये क्या है आगे सीखोगे, इनम्यूरेशन। इन्यूमरेशन इज अ कॉन्सेप्ट, मैं पूरा ही लिखता है इन्यूमरेशन, ये कस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स में आता है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर कोई पूछे C++ के डेटा टाइप में कितने टाइप्स है, तो भैया दिस इज द इजिएस्ट वे यू कैन टॉक। जो मैं बात कर रहा था ना स्ट्रिंग, आगे आएगा वो स्ट्रिंग, यहाँ पे एक अलग से क्लास है, तो उसमें तब मैं वापस स्ट्रिंग सिखाऊंगा, बट ये हम लोग काफी यूज करेंगे C++ में। वॉन्ट टेक अ स्क्रीन शॉट, दिस इज एक ही स्क्रीन पे पूरा आ गया, क्लियर विद दिस, एवरीबडी क्लियर आई फील? यस सर। चलो यस सर, सर सर गो अहेड। In the last slide, we saw that we have some modifiers also. So those modifiers comes under the primitive data types or the primitive data? Modifiers है ना, they primitive के साथ work करते हैं. Okay. तो yes. Ultimately even when you talk about reference pointer array, ये भी इसके ही combinations में use होते हैं. तो primitive को derived में लाते हैं. ये more structured बोलते हैं ना, तो ये आता है. Structure में भी अलग अलग नहीं होगा. बट देन फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल याद रख, मैं अगर बोलू तुझे स्टूडेंट, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे स्टूडेंट का अमर नाम होगा, चल रोल नंबर होगा और पॉइंटर होगा। अब यहाँ पे अगर बड़ा पिक्चर देखे तो रोल नंबर स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप होगा, अब वो स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, क्लास है, ठीक है, रोल नंबर इंट होगा और पॉइंटर फ्लोट होगा। Ultimately, you use primitive data type to create student as entity. तो student एक data type बन गया, तो ये आता है user defined में, ultimately यही use करते हो, but in a combination to work with. समझा? Yes. Good. So guys, you realize this is stage one. अच्छा, अब C का sir data type समझ गया, data type समझ गया ना, simple है. अब थोड़ा आगे जाते हैं, अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स। सर वो क्या होता है? आइडेंटिफायर इज अ वे टू गिव नेम टू सम वेरिएबल्स। अब यहाँ पे द मोमेंट आई से ना आइडेंटिफायर दिस दैट, एक क्वेश्चन आता है, सर ये क्या है जरा समझो। सो नेक्स्ट थिंग, कीवर्ड से हटके मैं जा रहा हूँ आइडेंटिफायर्स पे, फिर मैं धीरे धीरे इनपुट आउटपुट पे जाऊंगा, देन विल बी टॉकिंग अहेड ऑफ दिस। तो अब जाते हैं, mind you, we'll be doing coding also, but right time. So the next second thing which I'm talking about is identifier. Sir, identifier kya hota hai? Identifier is nothing but something to give reference for. For example, hum log baat karte hain identifier. Given to refer. Sir, जैसे मैंने एक stupid सा question पूछा था, मैं वापस नहीं पूछूंगा, मैं कौन है? सर अमर, तुमने ही बोला था मेरा identifier. Now, अगर मैं campus पे मिल गया तो I'm very sure तुम से कुछ तो होंगे जो आगे आके बोलेंगे good morning अमर सर, या हाय अमर सर, अमर सर मेरा identifier है, मैं तुम्हारे गेट पे भी आता, अब तो खैर पब्लिक पहचान था, इतनी बार आ चुका हूँ, तो वरना पहली बार जब आया था तो पता नहीं मेरा हुलिये से उनको शायद आतंकवादी लिख रहा था, आई रिमेम्बर मेरा गाड़ी को रोका गया था, आई हैड टू कॉल अप सुनावने सर कि मतलब मेरा गाड़ी को रोका इन लोगों ने, सर आए, सर ने एंट्रीज किया। अब मेरे आने से पहले सुनावने सर उनको फोन करके बोलते, वो जो बड़े वाले मुंबई से आते सर वो आ रहे, गाड़ी रोकना मत, तब मेरे को एंट्री मिलता है, सिक्योरिटी उधर भाई। तो लॉजिक सिंपल है, नेम गिवन टू रेफर, रेफरेंस। अब मेरा जैसे हालत होता है,
वेज खा के मेरा सिस्टम ज्यादा चलता नहीं है. सो रात को जब मेरा खाने का होता है तभी आई ऑलवेज ऑर्डर फूड. ऑर्डर फूड आता है, वो बोलते हैं अमर सर का ऑर्डर है, तब उसको गेट पर खड़ा रहना है. मुझे फोन आता है, सर तुमसे पार्सल आला है, मैं जाके लेके आता है. यू रेफर. द कॉन्सेप्ट इज सिंपल, नेम गिवन टू रेफर. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू सर. मतलब ओके, जब भी एक वेरिएबल बना उसको नाम देना पड़ेगा. सो नेम गिवन टू रेफर, दो चीज को ये नाम मिल सकता है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, दोनों को. अच्छा मुझे एक बोलो, पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14. परफेक्ट, ये कॉन्स्टेंट है राइट. तो अगर मुझे वो बनाना है, मैं पहले भी दिखा चुका हूं बट फिर भी सर, कॉन्स्टेंट फ्लोट पी आई पाई 3.14. कॉन्ग्रेट्स, ये कीवर्ड है याद रखना. टू क्रिएट अ कॉन्स्टेंट, द कीवर्ड यूज्ड इन सी प्लस प्लस इज कॉन्स्ट. पूरा नहीं लिखते हम लोग, कॉन्स्ट लिखते और छोड़ देते. तो ये कॉन्स्टेंट बनाते हैं. सर कॉन्स्टेंट मतलब क्या? आई मीन थोड़ा इंग्लिश. कॉन्स्टेंट समथिंग विच इज नॉट गोना चेंज. अगर आपने कॉन्स्टेंट बनाया तो पूरे प्रोग्राम में उसे कहीं भी आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसका ही एक स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करोगे और इस बेसिस पे चीजें चल रही है. कॉन्स्टेंट को देने वाला नाम. तो सर ये पूरे स्टेटमेंट पे आइडेंटिफायर क्या है? पी आई पाई, क्योंकि ये उसका एड्रेस करने का तरीका है. ये आइडेंटिफायर. ओके, पाई पाई इज आइडेंटिफायर. अच्छा तो वेरिएबल को भी ऐसे नाम मिलता है. हाँ बट इन दोनों का रूल्स है. सो रूल्स क्यों? ये खुद सोचो ना, तुम्हारे में से हर एक के नाम का एक मीनिंग होगा, एक यूज होगा. इफ यू सी द बिगर पिक्चर, नाम होगा मतलब एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखने में ज्यादा मेहनत नहीं किया. इट वाज वेरी वेरी सिंपल. मम डैड से जब मैं पैदा हुआ था अराउंड 24 या 30 अवर्स, आई वॉज प्रिटी सीरियस. तो वो ग्लास चेंबर में रखा गया था. तो इनका फंडा था कि मैं मरा नहीं, बच गया अमर. बोलो मतलब आलसीगिरी का लिमिट हो तुम लोग, मतलब कुछ नाम का मेहनत ही नहीं, बच गया अमर नाम रख दे. तो दैट्स माय स्टोरी ऑफ इट. बट अगेन हर एक के नाम का एक मीनिंग होगा ना. माँ बाप ने बेचारे सोच सोच के रखा होगा. नो आई कैन सी इफ आई गो थ्रू, मुझे अलग अलग नाम दिख रहे. किरण है, देन वी हैव भूषण, वी हैव अश्विनी. इन हर एक नाम का एक मीनिंग होगा ना, कुछ तो मतलब होगा. माँ बाप ने कुछ सोच के रखा होगा. सो लॉजिक क्या है? जैसे उन्होंने रूल कुछ फॉलो किए, कोई जाति धर्म पे, किसी ने भगवान पे, किसी ने ऑब्जेक्ट पे, हर एक का. नो फॉर एग्जाम्पल आई हैव एक है, हम लोग का स्टूडेंट है, उसका गुजराती बंदा है, उसका नाम है हृदय. नाउ हृदय टेक्निकली मीन्स हार्ट इन गुजराती. तो मेरे को बहुत कीड़ा है इंजीनियरिंग का. इमेजिन करो तुम लोग इंजीनियर हो तो इतना कीड़ा है. मैं इंजीनियर, MS, ME और PhD, तो मेरे में कितने कीड़े रहेंगे. मेरा पहला क्वेश्चन जैसे उसने बोला ना, सर हृदय शाह, बोला अच्छा इंटरेस्टिंग नाम है बिकॉज हृदय इज हार्ट. बोला भाई बहन है कोई? नहीं. बोला बच गए? तो मुझे बोलता मतलब क्या मालूम, तेरे माँ बाप फिर रखते थे किडनी, फेफड़ा, दिमाग, आंख. मुझे बोलता है सर बस क्या खींच रहे हो. बोला नहीं बट यू रिलेट. तो हर एक नाम को रखने का एक तरीका है. सोचो अगर माँ बाप को तुम लोग से पर्सनल खुन्नस निकालना होता, तुम्हारा नाम दुशासन रखते तो आई थिंक एवरीबडी नोज ये कैरेक्टर कौन है. इमेजिन करो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत शरीफ हो, बट किसी लड़की को जाकर बोला हाय आई एम दुशासन, नको मिजाते. रीजन, नाम का वाइब खराब है ना. सो नाम के अपने रूल है. सबसे पहला रूल, ओके, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर विथ डिजिट. कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट मतलब सिंपल, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नहीं, यू कैन. फॉर एग्जाम्पल 1A इज रॉन्ग. हाँ, यू कैन यूज A1. यानी डिजिट पहले नहीं हो सकता, पहले लोकेशन के बाद कहीं भी हो सकता है. तो ये पहला तरीका, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट. सेकंड, कैन नॉट यूज कीवर्ड. कोई भी कीवर्ड आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है. थर्ड,
सर ये सब कैन नॉट ही आ रहा है. हाँ कैन हेल्प इट कैन नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल. अधर धन एक ऑप्शन है. अधर धन अंडरस्कोर माइनस नहीं है अंडरस्कोर. इसके सिवा आप कोई और नहीं यूज कर सकते. फोर्थ केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिविटी इज वन फैक्टर विच वी रिलेट. सर मतलब वही जूना फंडा ए नॉट इक्वल टू ए. कैपिटल और लोअर केस ए इक्वल नहीं होते. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट इज हाउ वी वर्क विथ. इस बेसिस पे तुम्हारा पूरा सिस्टम चल रहा है. इस बेसिस पे पूरा लॉजिक चल रहा है. तो सर रूल है. अब ये रूल अगर दिमाग में गए तो मेरे क्वेश्चन अभी भी बाकी है. सो इसके बाद मैं वेरिएबल और इसमें जाऊंगा एंट्री करूंगा. जरा ध्यान से. सो जरा लॉजिकली मुझे बोलना. Guys, इसमें से कितने इनकरेक्ट है और कितने करेक्ट है जरा सोच लो. गिव यू अ मिनट दिमाग लगा लो. सोच लो अपना. फर्स्ट एंड थर्ड. ओके ठीक है पूछते. फर्स्ट इज राइट या रॉन्ग है. राइट फर्स्ट के बाद कहीं भी यूज कर सकते हो. अंडरस्कोर नेम राइट राइट अंडरस्कोर से शुरू भी कर सकते हो. नेम अंडरस्कोर स्टूडेंट समझा क्यों दिया. ओके अब ये तो बुक का है. बुक से बाहर जाता हूं मैं थोड़ा. याद रखना जब भी आइडेंटिफायर दो ना गिव एस पर नीड और यूज शुड बी रीडेबल. शुड बी रीडेबल. सर एक मिनट क्या लिखा. ये मेरे रूल है. मतलब सी मैं बोलता हूँ सिर्फ देर इज अ स्टेटमेंट विच आई मेक. अभी टेट टॉक जाके आया हूँ मैं. आई रिप्रेजेंटेड नो महाराष्ट्र स्टेट फॉर दैट. सो आई रिमेम्बर टेट आई हैड सेड वन सिंपल थिंग कि जब आप कोडिंग का बात करते हो एनी फूल कैन राइट अ कोड. गधा भी कोड लिख सकता है. फर्क है कोड इंसान वो लिखे जो सामने वाले इंसान को मालूम पड़े. कोडिंग बेस हम लोग का बात था उस पर. सो लॉजिक सिंपल है. तुम एबीसीडी मत यूज करो. तुम वो यूज करो जो तुम्हारे काम का है. इफ यू आर स्टोरिंग सपोज आई गिव यू अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू एड टू नंबर्स तो तुम्हारा वेरिएबल एबीसी मत यूज करो. दैट्स रॉन्ग. यूज नंबर वन नंबर टू टोटल जिससे कि पढ़ के ही मालूम पड़े. हाँ ये नंबर वन लेगा ये नंबर टू लेगा और टोटल. जब वो कर पाओगे ना गाइस यू विल लव इट. वो नहीं कर पाओगे तो बेटा कुछ कुछ होता है. ध्यान देना. सो कॉन्सेप्ट इज सिंपल. गिव एज पर नीड और यूज शुड बी रीडेबल. आप पढ़ सकते हो उसको ऐसा दो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट यूज टीओटी नहीं तो आई तो से टोटल यूज करो. नंबर वन यूज करो नंबर टू यूज करो. ऐसे कुछ भी कहीं भी एबीसी. अब ए कौन है बी कौन है सी कौन है. माँ बाप ने थोड़ा तो एफर्ट डाला ना तुम्हारे नाम डालने में. तो आइडेंटिफायर को ये दो रूल मेरे याद रखना.
गिव एज पर नीड और यूज, जो भी उसका काम है, जो भी उसका नीड है उस हिसाब से, एंड रीडेबल होना चाहिए, आड़े तेड़े नाम मत दो, क्योंकि एंड में यही प्रॉब्लम करेंगे. यहां तक का फंडा समझे? आइडेंटिफायर कॉन्सेप्ट क्लियर? पीपल क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफायर? यस नो वेटिंग? यस सर. यस सर. वंडरफुल. तो नाम देते वक्त जरा शांति से, जरा सभ्यता से, जरा अच्छे से, ऐसी येड़े जैसे कुछ भी नाम मत दे के आना एंड ऑफ द डे. अदरवाइज तुम लोग आगे जाके, सी अभी तुम्हारे प्रोग्राम 10-15 लाइन के, आगे जाओगे तो 10-15 लाइन का 100-200, और फिर आगे इंडस्ट्री में जाओगे तो 1,000-1,500 लाइन होगा. उसमें ये वेरिएबल एक्स, व्हाट इज एक्स? फिर वो प्रोग्रामिंग का मैथ ज्यादा होगा. फाइंड योर एक्स, विच वी डोंट वॉन्ट टू, बट लॉजिक इज वेरी सिंपल. तो इसलिए नाम वो दो जो तुम पढ़ के समझ पाओ, नाम वो दो जो तुम्हारे काम के और तुम्हें ऑपरेशंस में मदद करे. सो बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस, बी वेरी वेरी केयरफुल. तो भैया ये वेरिएबल था. सर वेरिएबल आ गया, वेरी गुड. सो डेटा टाइप आ गया, वेरी गुड. तो अब इन दोनों को कंबाइन करके बात करते हैं डिक्लेरेशन. ये स्टेटमेंट्स में आता है, बट अदरवाइज चलो थोड़ा इनपुट आउटपुट के साथ डिक्लेरेशन तक चला जाता हूँ. तो कोई भी, देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिक्लेरेशन. अब बहुत बार हम लोग पूछते हैं डिक्लेरेशन का मतलब क्या. डिक्लेरेशन इज अ टर्म कि जिसका काम होता है चीजों को क्रिएट करना. तो जब भी आप बोलते हो डिक्लेरेशन, बी वेरी वेरी केयरफुल. तो वी से डिक्लेरेशन, सिंटेक्स है उसका. कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका रूल है. सबसे पहले तुमको देना पड़ेगा डेटा टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल. सो डेटा टाइप एंड वेरिएबल, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज हाउ वी वर्क विथ. सो कॉन्सेप्ट सिंपल. अगर मैं कहूं अमर एक नंबर स्टोर करना है, इंटीजर टाइप, आई हैव टू से इंट, ठीक है. अब ये डिक्लेरेशन का और एक कॉन्सेप्ट है डायनामिक डिक्लेरेशन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सर अलग है, थोड़ा अलग. डायनामिक डिक्लेरेशन ऑल्सो नोन एज इनिशियलाइजेशन. इसमें मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया. वॉट इफ आई वॉन्ट टू गिव वैल्यू टू दैट वेरिएबल? सर मतलब वॉट इफ उसको डेटा भी मुझे देना है. फॉर एग्जाम्पल सर, मतलब आपने डेटा टाइप बना, हाँ, वेरिएबल बना, हाँ, उसको वैल्यू दिया, हाँ भाई हाँ, तीनों किया, देन इट बिकम्स डायनामिक डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन. मतलब आप तीन काम एक साथ करते हो, या रादर दो काम. यू क्रिएट अ वेरिएबल एंड असाइन वैल्यू. क्रिएट अ वेरिएबल एंड असाइन वैल्यू, दो चीज है जिसे आप ऑपरेट करते हो, जिसे आप वर्क करते हो. दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट, दैट इज वॉट वी ऑपरेट अबाउट. सो दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज हाउ वी वर्क. बट सर इंटरनली होता क्या है? इंटरनली जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या क्यों कैसे हम लोग बात कर रहे हैं. इससे जब हम लोग ने बात किया फ्लोट PI 3.14, हुआ क्या? Let's get that thing. तुम्हारे कंप्यूटर में RAM होता है. इनफैक्ट पूरा प्रोग्रामिंग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे है. अब वो क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा, बट अभी के लिए लेट्स अंडरस्टैंड. तुम्हारे RAM में से कहीं 2800 करके लोकेशन है, वहां मैं तुमको 4 byte का डेटा देता हूं. उसको नाम मिलता है PI और उसमें स्टोर करता हूं 3.1. तो जब तुमने ये किया मेरे दोस्त,
ये हुआ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन. कोई भी वेरिएबल बनाते हो तभी दो काम होता है. नंबर वन गिव मेमोरी, बाद में स्टोर वैल्यू. अगर दोनों एक साथ कर रहे हो तो डायनामिक इनिशियलाइजेशन या डायनामिक डिक्लेरेशन कहा जाता है. तो सर ऐसे चार बनाए तो चार हो, हाँ चार बनाए तो चार लोकेशंस आपको मिलेंगे. सर चार बाइट क्यों दिया? एनीबडी कुड टेल मी दैट? चार बाइट क्यों दिया? परफेक्ट. तो अगर डबल देता जोश में तो आठ मिलता, लॉन्ग बोलता तो भी आठ मिलता, बट अलग अलग लोगों को. तो हर एक के लिए जब स्पेस मिलता, तुम लोग आओगे जब नासिक नो तब इट वुड बी फन टू कम अक्रॉस. यू विल हैव अ बिग ऑडी काइंड ऑफ अ सेटअप फॉर क्लासरूम्स, बड़े स्क्रीन्स एंड ऑल. तो हर एक जन अपना कुर्सी पकड़ के बैठता है, ये मेरा मैं इधर बैठेगा. सुपर तुम्हारा स्पेस. उसी तरह से तुम जब वेरिएबल आइडेंटिफायर कॉन्स्टेंट कुछ भी बनाते हो तो उसको एक मेमोरी में स्पेस मिलता है और वो स्पेस को हम लोग नाम देते हैं. सी अब थोड़ा एक फंडा याद करो, मुझे हेल्प करो. एक्स और पी आई क्या है? एक्स और पी आई वेरिएबल है बट दे हैव आइडेंटिफायर्स राइट? यस. आइडेंटिफायर का मतलब क्या था? Name given to some memory location for reference. Congrats. मतलब ये PI तुम बोल रहे हो. PI मतलब 2800 जिसके अंदर कुछ है. अब आया concept of identifier. What are we trying to identify? Identifying the value and the content. People clear? Yes sir. चलो चाहिए तो screenshot मार लो. People screenshot this. Okay, chalo. Good. So now we'll move one step ahead. Ab baat kare chalo. Sir, variable banana aapne sikha diya, data dena aapne sikha diya. Ab kya? Hey, ab simple hai. Now we'll be talking about very simple concept called input and output. Sir, input output kya hota hai? Beta, do cheez pura program. See, entire program, there is a concept called as a development triangle. इसको मैं दो बार सिखाऊंगा. अभी तो मैंने सिर्फ अभी जो मैं बात करूं तो वेरी सिंपल आर्किटेक्चर, उसके बाद मैं उसे उल्टा भी करके समझाऊंगा. तो डेवलप ट्रायंगल के तीन हिस्से, इनपुट आउटपुट प्रोसेस. अब लॉजिक क्या है, फंडा चलता कैसा? सो इनपुट आउटपुट प्रोसेस का लॉजिक ऐसा है मेरे दोस्त. इनपुट What is needed? सर ये कौन देता है? जनरली तुम्हारा यूजर. ये इनपुट नीचे आता है, प्रोसेस होता है. आउटपुट फाइनली थर्ड स्टेप जो रिजल्ट या रिस्पॉन्स देता है. मतलब पूरा मशीन इजी पे चल रहा है. अब प्रोसेस करने के लिए तो भैया अलग अलग ऑपरेटर्स है, बट इनपुट के लिए क्या है? इनपुट इन टर्म्स ऑफ C++ यू हैव अ स्टेटमेंट कॉल्ड सी इन. इन टर्म्स ऑफ आउटपुट यू हैव अ आउटपुट स्टेटमेंट कॉल्ड सी आउट. तो सीन एंड सी आउट जैसे दो स्टेटमेंट्स है, सीन और सी आउट जैसे दो स्टेटमेंट्स है जिसपे तुम्हारा कॉन्सेप्ट चलता है, विच इज योर IO हैपनिंग. यानी कि तुम्हारा पूरा इनपुट आउटपुट इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, पूरा इनपुट आउटपुट इसी लॉजिक पे चलता है. दैट हाउ वी वर्क और हाउ वी यूज दिस. तो ये खास याद रखना बिकॉज अल्टीमेटली इसी के बेसिस पे वॉट वी वर्क और इसी के बेसिस पे वॉट वी यूज. सो दिस इज फर्स्ट थिंग. उसी तरह से सीन सी आउट सर क्या है? दिस आर इंस्ट्रक्शंस. तुम्हारे C++ में इनपुट और आउटपुट के लिए
सीन और सी आउट यूज किया जाता है. दैट्स अ वेरी सब सिंपल थिंग. अब इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट लेवल पे होता है, क्या क्यू. सी, एक वेरिएबल एक्स है, तुमको अगर उसमें डेटा इनपुट लेना है, ऐसे समझो डेटा इनपुट लेना है, तो तुम्हारा सी इधर है ना, उसमें से इसमें डेटा डालना है, तो सी प्लस प्लस में डेटा सी इन के एरो ऐसे जाते हैं. तो सर सी आउट किधर है, बाहर के साइड. तो जो भी तुम्हारा एक्स है उसका डेटा C++ को देना है, यानी कि आउटपुट को. तो जरा संभल के C आउट अगर मैं बात करूं, तो ये याद रखना C in के लिए C++ रीड करता है in X, ये आउटपुट में राइट करता है. तो इसके सिंबल याद रखना, C in का डेटा X के तरफ जाता है एरोस, सी आउट में डेटा सी आउट के तरह होता है क्योंकि बाहर जाना है. दैट इज हाउ वी सी. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई हैव अनदर वे ऑफ वर्किंग. क्योंकि 90% स्टूडेंट्स की पैन बचती है, जरा संभाल के. ओके, या चलो इस तरफ से. सी इन डेटा दे रहा है एक्स में, एक्स स्टोर हुआ लग सेट है, ये डेटा डिस्प्ले में जा रहा है. इजिएस्ट वे टू रिमेम्बर, डायग्राम चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लो, तुम लोग एक आइडिया आ जाए मैं क्या कर रहा हूं. आई होप पीपल आर क्लियर. Yes, sir. Any doubt, anyone? No, no, sir. No, sir. No, sir. चलो good. ये पूरा सिस्टम इसी बेसिस पे चल रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग का चल. तो चलो good. We got option C in, C out. एक प्रोग्राम जनरली इस फ्लो में चलता है. हाँ, आगे जाके मैं लॉजिक बिल्डिंग के सेशंस लूंगा स्पेशली. लॉजिक बिल्डिंग में तुमको ये समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग में एक्चुअली इफ यू थिंक सर प्रोग्राम क्या है, बस इनपुट लेना है प्रोसेस करके आउटपुट मिलता है, देन सैडली यू आर रॉन्ग. सर क्या बात कर रहे हो, यस यू आर रॉन्ग, बिकॉज एक्चुअल प्रोग्रामिंग का थिंकिंग ऐसे चलता है. सर क्या मस्करी कर रहे हो, आउटपुट. हाँ, बिकॉज द वे वन कैन थिंक इज वेरी वेरी सिंपल. वी फर्स्ट थिंक what is needed. इसको थोड़ा हटा देते हैं, so sorry. needed, फिर सोचो how to get it, that is process, and what input is needed. अगर इतना समझा तो this is what we talk about. So, what is needed, how is to get it, and what is. Sir, एक मिनट, ये दो तो एक ही है ना. नहीं, यहां पे हम लोग बात करते हैं what is needed, output. How to get it will make it clear what would be needed as input. Programming actually ऐसे, ये तो खैर मैं practice करवा दूंगा तुमसे कि क्या सोचना है और कैसे, वो भी मैं करवाऊंगा. क्यों? अभी तक तुम लोग को सारे टीचर्स बहुत प्यारे मिले जो बोलते हैं ये ऐसे करने का, कहीं से वो किसी ने बोला नहीं. आई एम नोन फॉर दैट कि हाउ टू थिंक हाउ टू प्रोसेस, दैट्स अवर जॉब, बी केयरफुल. तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं भाई ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग का सिस्टम चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग का लॉजिक चल रहा है. तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो विद दिस, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू ऑपरेट विद दिस. तो ये एक सिस्टम है जिसपे हम लोग चल रहे हैं. ओके, सो अब बात करते हैं सीन सी आउट एक बेसिक, उसके बाद एक बेसिक कोड ले लेते हैं जिससे कि तुमको एक आइडिया क्या हो रहा है, सो दैट तुम लोग को एक स्ट्रक्चर ऑफ सी भी मालूम पड़े कि चल कैसे रहा है. स्ट्रक्चर ऑफ सी
किस तरह से लिखा जाता है वो भी मालूम पड़े. तो चलो बेसिक. सो कोडिंग ऑल्सो आई डू इट विथ यू गाइस. पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन डेफिनेटली हैव सी कंपाइलर्स ऑन देयर मशीन. तो अब सिंपल बात करते हैं, मतलब सर समझाना क्या करना. सपोज तुमने आई एन टी नंबर लिया और वो नंबर तुमको यूजर से चाहिए, बट सर सुनो ना, नंबर चाहिए वो तुमको कैसे मालूम. गुड है, तो यूजर को आउटपुट देना पड़ेगा. तो आई विल मॉडिफाई दिस कोड एंड से, आई विल मॉडिफाई दिस कोड एंड से आई एन टी नंबर, फिर सी आउट. सर सी आउट से एंटर अ नंबर. ओ मतलब सर ये यूजर को देंगे. हाँ फिर सी इन लिखो नंबर. सो फॉर एवरी इनपुट देयर हैज टू बी आउटपुट. सर वापस बोलो. सो सॉरी, फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ आउटपुट. सो नहीं समझा. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क एनीवन राइट नाउ आंसर, तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा क्या आंसर, क्या क्वेश्चन तो पूछो सर. गुड दैट्स द आइडिया. ए देना क्या कुछ तो बोल. ए पेन दे, बॉल पेन दे, मोबाइल दे, लैपटॉप. कॉन्सेप्ट यू विल नॉट प्रोड्यूस, यू विल नॉट प्रोड्यूस इनपुट विदाउट हैविंग अ आउटपुट टू टेल यू व्हाट इज नीडेड. इट इज एज गुड एज कोई सडनली तुम्हारे सामने आए और बोले आंसर दे. तुम बोलोगे क्वेश्चन क्या है. सो बी केयरफुल. एक लास्ट जंप अप, लेट अस ट्राई टू वर्क विद. मैं जान पूछ के टर्बो सी कंपाइलर सीपीपी यूज कर रहा हूं. यू कैन यूज डेव सी, आन सी सी और विच एवर वर्जन यू वॉन्ट टू. आई पर्सनली डोंट माइंड, यू कैन एक्चुअली यूज एनीथिंग. तो तुम डिसाइड करो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है. टर्बो सी है चाहिए तो उसके लिंक्स मैं दे दूंगा, डेव सी है उसके लिंक्स भी मैं चाहिए तो तुम्हें दे दूंगा, दैट आई विल वर्क. सो बैकग्राउंड में स्क्रीन तो दिख रहा होगा तुम्हें. सो दैट्स व्हाट वी वुड बी कोडिंग ना. अब जरा समझो मैं दोनों करते जा रहा हूं. कोई भी सी के प्रोग्राम्स में या सीपीपी प्रोग्राम्स में टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, आपका एक बेसिक तरीका है उसे ऑपरेट करने का. हाउ वुड यू डू दैट, हाउ वुड वी वर्क. सो इफ यू गो विद फाइल न्यू फॉर एग्जाम्पल, ये एक सीपीपी फाइल है. कोई भी सी प्लस प्लस फाइल में तीन बेसिक चीजें आपको याद रखनी है. सबसे पहला हेडर. अब हेडर क्या है, हेडर दिमाग. तो तुम्हें सोचने के लिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए, तो हैश इंक्लूड io stream dot h. This is a default header file. ये default header file माना जाता है. The basic concept is very very simple. You will be able to start thinking io stream, input output stream, यानी input लेके सोच के output देने तक ये file तुम्हारे काम का है. फिर आता है void main. सर ये क्या है, that's a starting point. तुमको किसी रेस में अगर जाओ तो एक स्टार्ट लाइन होता है जिसके आगे रेस चालू होगा. वेरी गुड, ये स्टार्ट लाइन है तुम्हारा, यानी कि void main के आगे यूजर का लिखा गया कोड आता है. अब मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, अगर मैं जस्ट एक नंबर डेटा लेके हु आर यू, चलो एक या एक डेटा लेते हैं, तो मैं कहूँ लेट्स से आई एन टी डेटा को एक नंबर लेना मुझे. तो सर ये डिक्लेरेशन है. हाँ सी आउट, वो तुमको बोलना पड़ेगा एंटर अ नंबर. ओके कोलन. सर लेना भी पड़ेगा ना. सी इन विल बी सेइंग डेटा, नंबर ले लिया, कॉन्सेप्ट ले लिया, फिर प्रिंट. ना 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 ना, सी आउट याद रखना, बी वेरी वेरी केयरफुल. सी आउट यू विल से एंटर्ड नंबर इज कोलन अगेन, सी आउट योर नंबर के साथ विल बी गिविंग डेटा कमिंग इन टू पिक्चर. सर रेडी हो रहा है वो, हाँ बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग, तुमने कोट्स क्लोज नहीं किए. सो विल गो क्लोज द कोट, डेटा एक्टिवेट हो गया. और एंड में रुकने के लिए गेट सी एच. सर रुकना मतलब आउटपुट देखने के लिए, रोकने के लिए. आई एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हम लोग करते हैं. तो सर अब क्या होगा, चलो सेविंग दिस अल्ट एफ, सॉरी सेव एस वन डॉट सीपीपी, सीपीपी सी प्लस प्लस. ठीक है चलो वन तो हो गया, अब रन करते हैं. एरर सर, एरर आया, एरर आया.
गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप. गेट सी एच अगर तुमको यूज करना पड़ेगा एंड इफ यू वॉन्ट टू हैश इंक्लूड माई बैड सर कौन आयो डॉट इट. परफेक्ट. So we'll be talking about conio.h is a header file which we'll be using. So sorry for this. conio.h डाल के let's try to run it off. Output आ गया. Enter a number. अब मैं जो चाहिए number enter करता हूँ. Today is 1st and 9th. 19. Entered 19. अब ये रुका ना वो get ch का मेहरबानी है. सर मतलब कर करके देखो ऑपरेट करके देखो. सो इफ यू गो डाउन एंड यू रिमूव दिस एंड यू रन अगेन. सर ये जूना डेटा भी दिख रहा है. हाँ वो भी हम लोग करते हैं बट उससे पहले लेट्स से 56. अरे सर क्या हुआ रुका नहीं ना. अल्ट एफ आई करके मैं पीछे जाके हाँ मतलब प्रोग्राम तो चला सर दिखा नहीं सर. कॉन्ग्रेट्स. सो अगर तुम्हें दिखाना है और रुकाना है गेट सी एच. सर वो कचरा सब आ रहा है उसका क्या करें. You can try this. PLRSTR. This is a clear screen command. Sir, क्या होगा इसे खुद देख लो. Oh, मतलब जूना डेटा निकल जाएगा. Congrats. जूना डेटा निकल जाएगा. I can say 123. You entered 123. Very good. So this is the basic code. Sir, मतलब हो गया समझा. Don't be in that hurry. कुछ concepts है जो आपको अच्छे से समझने हैं अभी भी. Now there are few things. जब आप बात करते हो ऊपर जब आप ये बात कर रहे हो इन दोनों फाइल्स का दिस आर द हेडर्स दिस आर द हेडर फाइल्स. तो मतलब सर क्या है हेडर फाइल्स. ऐसे बहुत सारे फाइल्स है अपने पास. अपने पास बहुत सारे फाइल्स है. स्ट्रिंग डॉट एच है टाइप डॉट एच है कॉनियो डॉट एच है सी टाइप डॉट एच है. सर हेडर फाइल क्या दिमाग. फॉर एग्जाम्पल आई कैन ओनली अंडरस्टैंड फोर लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश गुजराती हिंदी मराठी. अब तुम मेरे को कोई साउथ इंडियन फिल्म चालू करके देगा मेरे को अच्छा लगता है बट मैं बोलेगा भाई ट्रांसलेटेड वर्जन लाना नहीं समझ रहा बिकॉज मेरे दिमाग में वो लैंग्वेज नहीं है. उसी तरह से तुम्हें जो भी करना है प्रोग्रामिंग में उसके लिए हेडर फाइल है. द डिफॉल्ट हेडर फाइल इज आईओ स्ट्रीम डॉट एच. इसके अलावा जो भी तुमको चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा हेडर फाइल. जैसे कि मेरा गेट सी एच नहीं चला ना तो कॉनियो लाना पड़ा. सी एल आर एस सी आर भी कॉनियो के मेहरबानी से चल रहा है तो इसलिए ये अलग से लिया वरना ये बाय डिफॉल्ट हर एक में डालना पड़ेगा. उसके बाद सर ये क्या किया. यू डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल क्लियर स्क्रीन स्क्रीन साफ करने के लिए सी आउट डेटा डिस्प्ले करने के लिए कि क्या चाहिए तुमको सीन रीड करने के लिए और फिर आगे ऑपरेट करने के लिए. सो दिस इज हाउ वी वर्क विद दिस इज हाउ वी ऑपरेटेड विद द एंटायर स्टफ. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस. पंडा समझा सबको. People clear? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. So, आज के लेक्चर में stop with this for the day. But again, इसका recording मैं YouTube के through upload कर दूंगा. You guys can go through. Link आ जाएगा. सर दे देंगे आप लोग को. I want you to revise this lecture. Tomorrow I'm not taking because I have meetings coming up. Sunday I'll be taking. Sunday से continuous 7 तारीख तक I'll be taking every day lecture. So फंडा सिंपल. उसके बाद तो ठीक है 14 से मैं वहां के पर्सनली टेक ओवर कर लूंगा बट उससे पहले मैं इतना फाउंडेशन क्लियर कर दूंगा कि यू शुड बी एबल टू राइट प्रोग्राम ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन. ये फाउंडेशन सिर्फ यू रियलाइज मैंने सिर्फ सी प्लस प्लस नहीं किया मैंने तुम लोग को एक्चुअली एक बेस दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल क्या सर है. आगे भी वही करते रहूंगा बिकॉज मेरा फाउंडेशन विद सी प्लस प्लस में ले रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा सिलेबस भी क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट भी. यहाँ तक का सब क्लियर हो. एनी डाउट एनी क्वेरी पीपल क्लियर. वंडरफुल. सो गो थ्रू दिस. मैं नोट्स और बाकी की चीजें क्लासरूम के थ्रू अपलोड कर दूंगा एंड होप पीपल लाइक. सी देखो सीरियसली सिखाना मेरा आदत नहीं है. आई वॉन्ट टीच लाइक अ नॉर्मल फैकल्टी बिकॉज आई फील वो बहुत बोरिंग होता है. मैं खुद ही सो जाऊंगा तुम लोग तो बाद में सो. सो फाइन ऑनलाइन है बट यू अंडरस्टूड वाई वी आर डूइंग दिस बिकॉज द वी आर सिस्टम जो अभी आप देख रहे हो कि पीछे स्क्रीन चल रहा है मैं कोर्स डेवलप करूंगा तुम लोग के साथ सो दैट तुम लोग को समझे तुम लोग का हर एक चीज इफ वाइल फॉर. ये कल से अब धीरे धीरे लाइक कल नहीं परसों आई बी टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर आई बी टॉकिंग अबाउट इफ आई बी टॉकिंग अबाउट वाइल इफ आई. ये सब जैसे जैसे करते जाओगे ना तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होते जाएगा. तो चाहे वो जावा हो सी प्लस प्लस हो डॉट नेट हो
तुम्हें एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तीन कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पकड़ में आ गए तो तुम कोई भी कोड लिख सकते हो. दैट इज द सीक्वेंस द ब्रांच एंड द लूप. तीनों का बात तो हम लोग डिटेल में करेंगे बट अगेन दिस इज वॉट वी हैड इन लेक्चर वन. आई होप पीपल आर वेरी क्लियर विद दिस. ओके तो चलो सी यू ऑन नाउ संडे. कल नहीं है संडे. टाइम में चेंज नहीं करो. इट वुड बी मॉर्निंग 9 o'clock क्योंकि वो ज्यादा जल्दी भी नहीं होता और लेट भी नहीं होता बीच में. मैं नोट्स और बाकी की डिटेल वाया सर तुम तक पहुंचा दूंगा. ओके चलो गाइस हैव अ वंडरफुल डे. थैंक्स फॉर जॉइनिंग.